आप देख रहे हैं R9 टीवी, मैं हूं जब्बार खान। देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बुनियाद पर अब सरकार पर अलग अलग संगठन के लोग भी निशाना साध रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर के एकेडमिक सेक्शन के लोगों तक की नाराजगी इस वक्त दिख रही है। नॉर्थ ईस्ट हो या फिर साउथ इंडिया या फिर महाराष्ट्र या फिर दिल्ली, हर जगह सड़कों पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और CA के खिलाफ में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सामने आया है, उसके बुनियाद पर अब ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां सरकार ने ये साफ कर दिया, अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि ये कानून किसी की नागरिकता को छीनने वाला नहीं बल्कि कुछ लोगों की मदद करने वाला कानून है, इसे किसी भी हालत में सरकार वापस नहीं लेगी, तो दूसरी तरफ वाम दलों का आज विरोध प्रदर्शन, साथ ही साथ में तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से सड़कों पर है, माना यह जा रहा है कि आर पार की यह लड़ाई है। मगर सरकार ना तो इस कानून को लेकर के विचार करने के मूड में है, ना ही प्रदर्शनकारी इस मामले को लेकर के पीछे हटने को तैयार। हालांकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को नोटिस इस मामले पर जारी की और जवाब भी तलब किया है। माना ऐसा जा रहा है कि अगले 22 जनवरी को जब इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होगी तो फिर तस्वीर साफ हो सकेगी। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक नोटिस जारी किया जिसमें यूपी सरकार से लेकर के केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है उस मामले में जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ में पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। तो ये अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं, जिसमें कि अमेठी से लेकर शाहजहांपुर, संभल से लेकर लखनऊ तक की तस्वीरें हैं। कुछ एक ही जैसी दृश्य इन तस्वीरों से, एक ही जैसा मैसेज सामने आ रहा है कि सरकार पर दबाव इस बात का है कि सरकार CAA को लेकर के पुनर्विचार करे, सरकार इस कानून के अंदर या तो फिर से संशोधन करे, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज का भी जिक्र करे, या फिर इस कानून को जनहित में और जन भावना को देखते हुए वापस ले। हालांकि ये विरोध करने वाले लोगों का ये दावा है कि ये संविधान के आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला कानून है और इससे देश में एक तरीके से धर्म के आधार पर लोगों के बीच में लकीरें खींची जा रही हैं और दरार पैदा हो रही है, जिसकी बुनियाद पर जरूरत इस बात की है कि इस कानून को खत्म किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बड़ी पुख्तगी से साफ किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि साहब, यह कानून पूरे तौर पर सोच विचार के बाद मिलाया गया है और इस कानून की बुनियाद पर किसी भी देश के नागरिक या अल्पसंख्यक के साथ में कोई ज्यादती नहीं होने जा रही, किसी की नागरिकता छीनने वाला यह कानून नहीं और यह कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। तो फिर सवाल यह है कि ये जो स्थिति दिख रही है ये कब तक चलेगी और इस स्थिति के मायने क्या है? क्या ऐसे ही देश के अंदर ये हंगामा या ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? हालांकि इस बीच में आज जो खबरें आई, कई इलाकों में देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई जगहों पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, यहां तक कि दिल्ली के कुछ इलाकों में भी इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई हैं, जिसमें वॉइस SMS या SMS या फिर इंटरनेट, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए या नेट के जरिए ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए इसे दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बंद किया गया है। यहां तक कि एयरटेल की तरफ से भी यह बयान जारी किया गया कि सरकार की तरफ से यह निर्देश आया है कि जब तक हालात स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक ये इंटरनेट की सेवा कुछ इलाकों में बंद रहेंगे। धारा 144 देश के अलग अलग हिस्सों में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटका, बेंगलुरु और अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मगर धारा 144 दिल्ली में भी, देश की राजधानी में भी कई इलाकों में लगा हुआ है। तो सवाल यह है कि आरोप इस बात का सरकार के ऊपर लग रहा है कि सरकार जबरदस्ती पुलिस के जरिए दबन कर रही है प्रदर्शनकारियों का कि आवाज कोई उठा ना सके, आवाज कोई बुलंद ना कर सके, और ऐसे में सरकार का कहना यह है, पुलिस का कहना यह है कि साहब कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे, कानून व्यवस्था में किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन हम नहीं होने देंगे जिसकी बुनियाद पर कोई अनहोनी हो, इसीलिए ये तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं। तो दिल्ली के अलग अलग इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर नॉर्थ ईस्ट के या फिर दूसरे ऐसे तमाम जगह जहां पर धारा 144 लगी हुई है, जहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है, खासतौर पर दिल्ली के वो इलाके जहां पर विरोध प्रदर्शन आमतौर पर होता है, चाहे वो मंडी हाउस का इलाका हो, जंतर मंतर का इलाका हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, या फिर लाल किले के आसपास का इलाका हो, या फिर जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास, वहां पर धारा
144 लगे हैं। हालांकि इस बीच में 5 जनवरी तक के लिए कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया सहित दूसरी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं, जिनको बंद कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इसकी बुनियाद पर अब आगे की तस्वीर को किस तरीके से देखा जाए? क्या इन स्थितियों और इन परिस्थितियों के बीच में सरकार किसी किस्म का कोई संवाद इन विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ में कायम करेगी, या फिर स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई रास्ता, कोई कदम सरकार उठाएगी? हालांकि बार बार सरकार की तरफ से यह साफ किया जा रहा है कि इस कानून को तो वापस हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं, किसी के साथ इस कानून के जरिए ज्यादती नहीं हो रही है। बल्कि अमित शाह ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि NRC और CAA दोनों को मिक्सअप ना किया जाए, और ऐसी स्थिति में जिसमें NRC पूरे देश में लागू किया जाएगा, असम के बाद में पूरे देश में लागू होगा, मगर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान हम ये कर रहे हैं। जैसा कि बार बार ये आरोप लग रहा है कि कुछ सियासी पार्टियां ऐसे लोगों के भावनाओं का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से सड़कों पर हंगामा करने और हंगामा कराने की कोशिशों को कामयाब करना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, डिटेंशन हुए हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, दिल्ली से खबरें ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के साथ साथ में उमर खालिद और इतिहासकार रामचंद्र गुहा जिन्हें के हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, जो कि अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में ये आंख और भड़कती ही जा रही है, और ऐसे में सरकार कदम क्या उठाएगी, देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह से ही, बल्कि रात से ही पुलिस के अलग अलग इलाकों में पहरे सख्ती के साथ में हैं, यहाँ तक कि आवाजाही को किसी तरीके से ऐसी आवाजाही ना हो सके जिसमें मॉब आ सके, इसलिए कई सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, जिन पर एग्जिट और एंट्री दोनों तरीके से पूरी तौर पर बंद है, और मेट्रो सेवा पूरे तौर पर उन इलाकों में ठप है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार विरोध करने वाले लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, आवाज़ दबा रही है ताकि सरकार जो चाहती है बस वही होता रहे, या आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लग रहा है, या फिर विपक्षी पार्टियां या वो लोग जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के इमोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? और ऐसे में कोर्ट का हस्तक्षेप, हालांकि कोर्ट ने इस कानून पर स्टे तो नहीं किया, लेकिन इस बीच में कोर्ट ने जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज करके जवाब तलब किया, उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य की सरकार से जवाब तलब किया है हिंसा के उस मामले में जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था छात्रों के खिलाफ में, छात्रों के ऊपर में। आइए सुन लेते हैं इस बीच में के राजनेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस मामले को किस नजरिए से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस कानून का विरोध करती है, जिस तरीके से भेदभाव के साथ और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा राज्यसभा में तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा ही है, वहीं इस काले कानून के खिलाफ हैं। हमारा लोकतंत्र धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता, हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भेदभाव जानबूझ करके कर रही है जिससे उन्हें कुर्सी मिलने में आसानी हो। ये केवल कुर्सी पाने के लिए काला कानून लाए हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, इसका विरोध करती है कि धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिकता तय नहीं हो सकती है। हमारे देश की महानता यही है कि हर जाति धर्म के लोगों को हमने सम्मान दिया, उनको जगह दी है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही रही है कि जो भी आया भारत की धरती पर उसको हमने स्वीकार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके भाईचारे को और देश के बीच में आम लोगों के बीच में खाई पैदा करना चाहती है। जो भी जहाँ दिल्ली में मार्च प्रोटेस्ट होते हैं वो ट्रेडिशनल रूट पे होते हैं, और उसी ट्वीट में और उसी जो हमारी रिटन रिक्वेस्ट है उसमें हमने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट भी की है, हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो भी प्रोटेस्ट की डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ आप अप्लाई कीजिए और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉन डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम आती है, एमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट होती हैं, इस वजह से आप जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए। देखिए, हिंसा कहीं पे भी हो, किसी भी स्तर पे हो,
हम ना पुलिस की हिंसा का जो है वो समर्थन करते हैं और ना ही हम भीड़ की हिंसा का समर्थन करते हैं। और जो लोग गुमराह करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं, इस पूरे के पूरे मुद्दे को तूल दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जनतंत्र की ताकत से जो परास्त हो चुके हैं, वो जनतंत्र को गुंडा तंत्र के माध्यम से उसका अपहरण करना चाहते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी ये षड्यंत्र साजिशें पूरी तरह से नाकाम होगी और जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये तस्वीरें जो कि सड़कों की आज देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के अलग अलग राज्यों में कुछ इसी तरीके से सड़कों पर हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन जो कि उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में देखने को मिल रहा है। अब जाहिर तौर पर ऐसे मौक़ों पर पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाती है कि उसे कानून व्यवस्था को भी बरकरार रखना है और हिंसा ना भड़के। इसके लिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां पर पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है, मगर इन तमाम चीजों के पीछे की जो वजह है, उन वजहों को लेकर लगातार हम बातचीत करते हैं, लगातार हम समझने की कोशिश करते हैं, मगर जब स्थिति यह हो जाए कि सरकार यह कहे कि साहब इस कानून को तो हम वापस किसी कीमत पर नहीं लेंगे, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होने जा रहा, दूसरी तरफ सरकार के सामने विपक्षी दल और विरोध करने वाले लोग ये कहते हैं कि साहब कानून तो वापस लेना ही होगा या उसमें अमेंडमेंट तो करना ही होगा, तो फिर स्थिति किस तरफ जाएगी, शक्ल क्या होगी, और ऐसे में जब कोर्ट जवाब मांगे राज्य और केंद्र की सरकार से, तो फिर ऐसे में आगे की तस्वीर बनती हुई कैसे दिख रही है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में इस वक्त अनिरुद्ध सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर जितेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। विष्णु विनोदम आचार्य जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष रामसेना के, आपका भी स्वागत है सर। साथ में जीनत अंसारी, डॉक्टर जीनत अंसारी साहिबा हमारे साथ में, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जो बताएंगे आखिर मुसलमानों का डर है क्या, मगर इसका राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और संविधान की नजर से इसको कैसे देखा जाए, पवन सोम जी हमारे साथ में जुड़े हुए बताएंगे। साथ ही साथ में अनिल मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जो कि लंबे समय से पार्लियामेंट से लेकर के अलग अलग चीजों को कवर करते और देखते आए, बताएंगे कि आखिर इन तमाम चीजों में बारीकी क्या है जिसको लेकर के या तो विपक्ष नहीं समझ रहा, या तो सरकार नहीं समझ पा रही, या तो प्रदर्शनकारी समझ नहीं पा रहे। फजील अहमद साहब हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर होंगे, आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। पहला सवाल मेरा अनिरुद्ध सिंह जी आपसे ही है, चूंकि सड़कों पर इतनी भीड़ या यूं कहें कि एक तरीके से हिंसात्मक होती जा रही है भीड़, मगर सारा का सारा ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि पुलिस का इस्तेमाल करके सरकार विरोध करने वाले लोगों की आवाज को दबा देना चाहती है, हिटलर शाही है। देखिए जो भीड़ तंत्र दिख रहा है लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी ने साफ कहा कि जब जनतंत्र में चुनाव हार गए तो गुंडा तंत्र पे उतर आते हैं। देखिए चाहे जामिया का केस लीजिए, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस लीजिए, पूरे भारत में 50,000 से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं भी छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ, जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था इंजीनियरिंग में, उस टाइम पर तो केंद्र में सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार थी, और तमाम मुद्दों पे हम आंदोलन कर सकते हैं, कोई छात्र हित का मुद्दा उस पे आंदोलन करिए। बाकी जितने चाहे रामचंद्र गुहा जी हों, चाहे जो लोग उसमें आ रहे हैं, डी राजा जी हैं, इन लोगों की अपनी क्या वैचारिक संगति कुछ नहीं है, ये लोग तो देश आप कहना चाहते हैं कि जी नहीं, इस मैं ये कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक विरोध करने का अधिकार नहीं, जी नहीं बिल्कुल विरोध करें, मैं कह रहा हूं बिल्कुल विरोध करें, देश के नागरिक नहीं है, बिल्कुल विरोध करें, लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उस ढंग से अपना डेमोक्रेटिक राइट है उनका विरोध कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हमारे विचारों से सहमत हो जाए, बिल्कुल विरोध करें, लेकिन उस विरोध का तरीका होना चाहिए। आप हिंसात्मक, आप बसें तोड़ेंगे, आप कोई कहते गोली मारेंगे, आप सारी चीजें करेंगे, ये तरीका नहीं होता, आप हिंसात्मक नहीं हो सकते, आप हिंसात्मक आंदोलन कहां अलाउड है, आप जाइए मोमबत्ती बनाइए, ठीक है, मगर शुरुआत या आरोप यही लग रहा है कि शुरुआत में जामिया के ये छात्र जाना चाहते थे जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के सामने, उनको गेट से निकलने नहीं दिया गया, उनको पकड़ पकड़ करके उनके ऊपर लाठियां बरसाएगी, जिसके जवाब में छात्रों ने उस आक्रोश में हिंसात्मक तरीके से उस प्रदर्शन किया और उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुसाए, जैसा कि पुलिस ने FIR में दर्ज किया और जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, गृह मंत्रालय को जो पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है। देखिए ये वाकई में बड़ी समझने वाला विषय है और इस पर बड़ी लंबी चर्चा होनी चाहिए, लोग एक मुद्दा
उठा लेते हैं। अभी 4-5 प्रश्न हमने वहां के जामिया के वीसी से हम लोगों ने पूछा, लेकिन आज तक उनका उत्तर नहीं आया कि ये प्रॉपर्टी जामिया यूनिवर्सिटी की है तो 700 से ज्यादा फर्जी आइडेंटिटी कार्ड क्यों वहां पे बन गए, किसके उसे परमिशन से बने। उसके बाद में वहां पे लोग कैसे, आप तो कहते हैं जी पुलिस नहीं घुस सकती, लॉ ऑफ लैंड की वजह से पुलिस नहीं घुस सकती है, ऐसा कौन सा एक्ट में लिखा, लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है और ऐसे कौन सी धारा है, कहां पे मेंशन है, क्या लिखा, बता दीजिए। रहेगी अगर कोई आदमी वहां पे घुसा है, गलत गतिविधि कर रहा है, अरे आप छात्र हैं साहब, मैं भी छात्र राजनीति में रहा हूं, छात्र हिस्से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, आपकी फीस बढ़ोतरी का मामला कुछ है, डॉक्टर जीनत अंसारी साहब जी, ठीक है, डॉक्टर जीनत अंसारी साहब कहना यह है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के भेष में असामाजिक तत्व घुसाते हैं और इनका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जाहिर तौर पर जब पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो फिर लाठीचार्ज वहां पर होगी, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहेगी। मगर सवाल यह है कि ये विरोध प्रदर्शन हिंसा के बजाय अहिंसा के रास्ते को अख्तियार करके भी तो हो सकता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, पर मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ कि जब ये पुलिस जैसे कि वो कैंपस को तोड़ करके अंदर गई, और मैं अपना एग्जांपल दूंगी कि मेरा वहां पे एक जानने वाला एक बच्चा फंसा हुआ था, जब उसकी मेरे पास फोन आया, मैं उसको लेने के लिए गई तो पुलिस ने मुझे वहां तक जाने की परमिशन नहीं दी। मैं बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे पहुंची हूँ ये मैं जानती हूँ। तो वहां पे जो अराजक तत्व थे वो कैसे पहुंच गए, पुलिस उस टाइम कहां सोई हुई थी, जब पुलिस, जब एक महिला का रेप होता है उस टाइम पुलिस कहां सोई रहती है। और जैसे कि जो पुलिस थी सारी उसने घुसी, ठीक है वो जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा दे, हम लोग भी यही चाहते हैं, वो हिंदू या मुसलमान हो कोई भी उसको सजा दे, पर ये कहां का, ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि जो लड़कियां हैं उनको आप बालों से खींच खींच के उनकी मार पिटाई कर करके ये पुलिस की बर्बरता जब 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 छात्र हो अगर हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे तो पुलिस उसको रोकेगी। अपने डिफेंस में आदमी कुछ तो करेगा ना। आप वहां पे देख रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ में इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनको मार पिटाई की जा रही है, उसके बाद फिर ये चीजें गोलियां। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में, इसका मतलब तो जाहिर सी बात है आपका पूरा का पूरा आप ये निशाना साध रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में गोलियां थी, वहां पर बम था, आप कुछ भी कह सकते हैं भाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो लड़के थे उनके पास गोलियां कहां से आई। उन तमाम चीजों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो एक अलग पहलू है। मगर मेरा सवाल अब ये है अनिल मिश्रा जी कि लंबे समय से आप कॉलेज छात्र राजनीति और फिर पार्लियामेंट से लेकर के अलग अलग जगहों के आपने कवरेज और दूसरी तमाम चीज़ों पर बारीक निगाह आपने रखा है, इन तमाम चीज़ों के बीच में रामचंद्र गुहा अगर डिटेन किए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, दिल्ली में कई इलाकों में अगर कई सारे नेताओं को या फिर छात्र नेताओं को अगर गिरफ्तार किया जाता है या फिर उनको विरोध प्रदर्शन करने से रोका जाता है, तो क्या ये सरकार का ऐसा चेहरा है जो ठीक नहीं है, ये सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सरकारी कार्रवाई जो सरकार करती है उसका अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों की भी एक सीमाएं हैं। जैसे अभी हमारे एक मित्र भाजपा के प्रवक्ता हैं अनिरुद्ध जी कह रहे थे, पहले तो मैं इनको क्लियर कर दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी पुलिस को घुसने का अधिकार नहीं है जब तक वीसी उसकी परमिशन न दे। कौन से एक्ट में है, कौन से एक्ट में है, वो प्लीज दीजिए ना। आप ऐसे नो, दिस इज नॉट राइट, नो, दिस इज नॉट राइट, आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल सही बात, उनको परमिशन नहीं है। मैं नहीं चाहता इससे समय जाए। नहीं नहीं, आप एक्ट बताइए ना, कहां लिखा है, उस सबके तरफ के कमेंट से आता हूं जी। नहीं अनुज जी, जरा सुन लेते हैं इनको, हम गुमराह नहीं कर सकते सर, इनको सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मैं मौका दूंगा। कहां लिखा है कि पुलिस ने काउंटर करने के लिए आपको पूरा मौका दूंगा। बिल्कुल समझ लेते हैं आप, उस चीज आप घबरा क्यों जाते हैं, इसका मतलब है कि आप गुंडा तंत्र वहां पे है, 790 लोग आइडेंटिटी कार्ड कैसे बन जाता है, मैं भी राज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का छात्र वहां तो नहीं बन जाते थे, इसका मतलब है कि आप उसमें मिले हुए हैं, आप खुद बढ़वा रहे हैं उसको, आप घबराइए मत, बात ठीक है, ठीक है। अनुरोध जी एक सेकंड अनुरोध जी, अनुरोध जी आपने अपनी बात रखी, अब बात सुन लेते हैं अनिल मिश्रा जी की, आपका वक्त आएगा आपने अपनी बारी पर, आप बोलिए सर, ठीक है एक महिला होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर अगर वहाँ पे हो रहा है, आपकी बात हो गई,
सर आपका सवाल आपका एतराज दोनों आ गया आपका सवाल आपका एतराज दोनों आ गया। आप जवाब जरा सा ले लेते जी। मैं बताता हूँ अनिरुद्ध जी, आप छात्र स्टूडेंट आंदोलन से जुड़े रहे सुन के अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे चैलेंज के साथ पूछता हूँ, देश के इतिहास में आज तक कोई भी छात्र आंदोलन, अभी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, आप बता दीजिए जब हुआ हो और उसमें हिंसा न हुई हो, आप कोई भी आंदोलन बता दे, मैं भी चाहिए हिंसा हो। देखिए मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ अभी आपने आज भी हो, अभी आपने इसी मुद्दे पर समझने की कोशिश करते हैं, मैं ये बता बहुत ही संवेदनशील मुद्दा की, देखिये यहाँ समझने वाली बात है, आप भाजपा के प्रवक्ता का एक आचार विचार देख रहे हैं, एक उग्र रूप देख रहे हैं, ये अगर कोई आंदोलन कर रहा है, आंदोलन गलत है सही है इस ये बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन जब आंदोलन हो रहा है और उसको समझाने की प्रवृत्ति हो, उसको सही रास्ते पे लाने की प्रवृत्ति हो, तो उसका रास्ता अलग होता है। विपक्ष जिन असंतुष्ट या विरोधी भावनाओं को भड़काना चाहता है वो भड़काकर सड़कों पर ला रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, लेकिन राजनीतिक नेताओं का राजनीतिक पार्टियों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और ये पूरी तरह से मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये राजनीतिक सियासत है। और रही बात धरना प्रदर्शन को समझाने बुझाने और दबाने की, तो बिल्कुल हमें खुले रूप से कहता हूं सरकार कश्मीर तो समझ में आता था, लेकिन अगर देश के हर हिस्से में इंटरनेट बंद करेगी, मेट्रो बंद करेगी, बस बंद करेगी, कल कह देगी घरों से मत निकलो, तो मैं जवाब जितेंद्र चौधरी जी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं दिल्ली हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हो जाहिर तौर पर, मगर क्या कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कानून के जीस्ट को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है? क्या कांग्रेस पार्टी ने यह बताया कि साहब इसकी मेरिट क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, इससे मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, ये समझाया आपने कैसे छीनी जा रही है? सर मेरी बात सुनिए, प्रत्येक भारतीय जो यहाँ टैक्स पेयर अपने देश के लिए सरकार को टैक्स देता है, भारत सरकार को या राज्य सरकारों को जो टैक्स देता है, कानून में उसका ये अधिकार है, जो कानून देश में लाया जा रहा है उसका मतलब क्या होता है, सरकार में कौन बैठा है, बीजेपी बैठी है, बीजेपी को समझाना चाहिए। जहाँ तक ये लोग कहते हैं विपक्षी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना यदि किसी जो कानून बना है ये जानने का अधिकार है। बीजेपी ने अगर अपनी बात रख दी सदन के अंदर या कानून बना दिया सर, तो उसका उसका दूसरा नजरिया निकाल करके जनता के ऊपर भड़काने की कोशिश करेंगे, यही तो आरोप लग रहा है। नहीं कोई नहीं भड़का रहा, अपनी बात रखने का सबका अधिकार है और अपनी बात जानने का अधिकार है क्या कानून बना है, नंबर एक। दूसरी बात मेरे को एक चीज बताइए, मोदी और शाह जी कहते हैं भारतवर्ष का कोई भी नागरिक इससे इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, 100% होगा। अरे ये जो कानून लाई थी कांग्रेस वो इसलिए लाई थी, भारत का नागरिक यदि कोई बाहर रह रहा है पूरे विश्व में, यदि वो पीड़ित हो गया वहां से किसी तरह से देश में युद्ध की स्थिति बन गई, वो निकाला जाता है, तो उसको हम यहां लाएंगे, शरण देंगे, क्या दिक्कत थी? परंतु ये लोग क्या कहते हैं, जो लोग बाहर से, एक चीज बताओ, जो बाहर से लोग आएंगे, आप बताइए जो भारत का हिंदुस्तान का निवासी होगा वही तो आएगा, या अन्य भी आ जाएगा यहाँ पे, या अन्य की भी बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा देश को नुकसान पहुंचाते हैं, तो लोग बाग विरोध क्यों नहीं करेंगे, इससे देश का नुकसान नहीं होगा? हमारे संसाधनों को जो हम टैक्स दे रहे हैं उनका यूज बाहर देश के लोग क्यों करेंगे, ये बताए बीजेपी वाले, और इससे देश का लाभ क्या होने वाला है, बीजेपी वाले बताए। विष्णु विनोदम जी लाभ क्या होने वाला है देश को? ठीक है विष्णु विनोदम जी, ये जो एक स्थिति बनती हुई जा रही है और ऐसे में पुलिस की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाए या फिर आवाजाही ठप कर दी जाए, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाए, मुश्किलें तो कहीं ना कहीं जनता के सामने ही आकर के खड़ी होती हैं, इस समस्या का सलूशन है क्या? देखिए इस समस्या का सलूशन ये है कि पहले तथ्यों को जानना, पब्लिक के सामने वो तथ्य लेकर के आना। मैं रामसेना से हूँ और मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मतलब हमारी रामसेना कांग्रेस के साथ है, लेकिन हम देश के साथ भी हैं। आज जो ये बिल आया या एक्ट आया, जो भी कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, इसमें खामियां क्या हैं या अच्छाइयां क्या हैं इसको समझना पड़ेगा। तो खामियों की तरफ भी नहीं जा रही पब्लिक, ना समझाने की कोशिश की जा रही, ना ही नेता इसको समझा पा रहे। इसमें जो एनआरसी, अभी पहली बात तो देश में लागू ही नहीं हुई, असम की तरफ ही इसका रुझान है, तो एनआरसी की तो बात ही करना बेकार है, जब होगा जब देखा जाएगा। लेकिन जो कैब अभी जो देश में लागू किया गया, तो इससे नुकसान किसी को नहीं है, ना यहाँ के नागरिक को और ना ही बाहर के किसी नागरिक को। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाली जो बात आ रही है,
जो मुसलमान उतर चुके हैं रोड पर, इनको नहीं उतरना चाहिए, पहली चीज समझना चाहिए इस चीज को, इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान अब पैदा हो गया है। अब नुकसान क्या पैदा हुआ है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास पास एक पक्ष है कि वो अब बगैर कुछ कहे मुसलमानों की तरफ टारगेट हो रही है, मतलब मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। तो अब यहां पर तो सबसे बड़ी बात, या तो वो रहनुमा जो मुसलमानों के रहनुमा बन के घूम रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लगता है कि ये कानून पूरे तौर पर ठीक है या इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का भी शब्द जोड़ना चाहिए, जो कि नेपाल या फिर श्रीलंका में रहते हैं या बर्मा में रहते हैं, म्यांमार में रहते हैं? देखिए, ये तीन देशों में जो मुस्लिम कंट्रीज थी उनके लिए ये कानून बनाया गया था, और वो मुस्लिम कंट्री ऑलरेडी हैं, तो वहां से कोई मुसलमानों को तो यहाँ लाया नहीं जाएगा, तो इसमें कोई गलती नहीं थी। जो सवाल यही तो सवाल उठा रहे हैं लोग जी, कि जैसे आपने उन तीन देशों के अल्पसंख्यक मुसलमान मुसलमान कंट्री से पीड़ित रहेगा क्या? वो ये कह रहे हैं कि जो तीन देशों में जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, जहां पर अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम पीड़ित हैं, अगर उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, यहां पर अगर मुसलमान पीड़ित है जो कि वहां का अल्पसंख्यक मुसलमान है, तो फिर उनके लिए भी ये प्रावधान देश में नागरिकता देने का होना चाहिए। वो पाकिस्तान जाए ना, क्यों वो बांग्लादेश है, क्यों जाए? हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुसलमान 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 से उन देशों से लाने का जिक्र नहीं है। उन देशों के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, तो जो लोग वहां पर इन तीनों जगहों के पीड़ित हैं, मुसलमान हैं, उन लोगों को भी अगर नागरिकता दी जाए तो इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? देखिए, एक हिंदुस्तान को पहले ही सेक्युलर बना दिया गया, हिंदुस्तान हिंदू लोग कहां जाएंगे? हिंदुस्तान का सेक्युलर मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान सेक्युलर बना दिया, हिंदुस्तान का मतलब बना दिया हिंदुस्तान जहां हिंदू रहते हैं। अरे सर सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फजील, ठीक है फजील अहमद साहब, मैं आपकी तरफ, काजल सिंगला जी आ रहा हूँ आपकी तरफ, लेकिन फजील अहमद साहब एक रिस्पॉन्ड कीजिएगा थोड़ा सा। मैं एक बार कह रहा हूँ, शायद विनोदम जी को पता नहीं, भारत का जो संविधान है पूरा अंग्रेजी में लिखा है, पूरा अंग्रेजी में लिखा है। प्रथम पेज पर जहां उसका इंडिया लिखा है, फर्स्ट ऊपर इंडिया, उसके बाद ब्रैकेट में बाबा अंबेडकर ने भारत हिंदी में क्यों लिखा? अगर उनको डर था कि जब हिंदुस्तान लिख देंगे तो कल को ये कहेंगे कि हिंदू का स्थान है, तो बाबा अंबेडकर ने बिल्कुल ये बात कही थी कि इंडिया का रूपांतरण होना चाहिए संविधान में। क्यों इंडिया का इंडिया, अगर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच रही है इस देश में, आपको बहुत खुशी है भारतीय जनता। मैं संविधान के बात कर रहा हूँ, दूसरी बात जबर भाई, इतने हमारे पैनलिस्ट कितने लोग बैठे हैं, सच बात यह है कि सरकार खुद गुमराह की है पब्लिक को। ये जो बिल आई है ये हिंदू मुसलमान का बिल नहीं है, ये बिल क्या? सर सुन लीजिए, अब आप दिल पे ले लेते हैं हर बार। नहीं, मैं कोई दिल पे, आप आराम से, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप सुनिए बात को जी। अगर नहीं जानते, जानकारी करना अच्छी बात है। मैं बिल्कुल जान लीजिए, देखिए ये जो बिल आई जब्बार भाई, इसके पीछे रीजन क्या था? 19 लाख एनआरसी में लोग बाहर हो गए, सरकार को और कांग्रेस सरकार को भी और बीजेपी सरकार को भी ये नहीं पता था कि इसमें 12-13 लाख हिंदू हैं। वो ये जानते थे कि सब 50 लाख तो कांग्रेस फिगर बताती थी, वो ये समझ रहे थे कि ये सब मुसलमान हैं। जब 12 लाख हिंदू आ गए तो इनके सांस उल्टी चलने लगी, अब हम क्या जवाब दें, ये तो गले की मेरे फांस बन गई। उन 12 लाख लोगों को भारत में कैसे रोका जाए, उनको हम बाहर ना निकाल पाए? हमारा कहना है कि जब आप 12 लाख को ले रहे हो तो 8 लाख मुसलमान ने क्या, इसलिए आपका वोट नहीं देते मुसलमान, इसलिए आप उनको बाहर करना चाहते हो? हम तो कह रहे हैं कि 12 लाख जब आपने ले लिया, 8 लाख और ले लो, बात खत्म। आप सीधे सीधे नारसी खत्म करो। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी वो लोग, वो 8 लाख का आंकड़ा, वो 7 लाख का आंकड़ा जो कि मुस्लिम है, उनको उनके साथ में सरकार क्या करेगी? क्या डिटेंशन सेंटर बनाएगी? क्या कैंप बनाएगा, बनाया जाएगा, उस कैंपों में रखा जाएगा, या फिर दूसरे देश को सौंप दिया जाएगा? तो फिर कौन से वो देश है जो उन्हें अपनाएंगे, जो उन्हें लेंगे? मगर ठीक है, मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ सर। काजल सिंगला जी हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं उनकी तरफ बहुत देर से जाने सका हूं। काजल सिंगला जी, ये जो एक स्थिति बन रही है, सरकार ये कह रही है कि साहब छात्रों का काम पढ़ाई करने का है, वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इतिहासकारों का काम अपना एकेडमिक चीजों को देखने का है, वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस नजरिए से समाज के अंदर उथल पुथल क्या चल रही है? मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज की बात कर रहा हूं। क्या वो लोग सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको किस नजरिए से देखा जाए?
काजल सिंगला जी, आपको आवाज आ रही है, सुन पा रही हैं आप? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात रखें आप मैम। जी जी जी, मैं है ना मैं पक्ष और विपक्ष की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, और आउटसाइड से बैठकर जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि देश में जो ये हिंसा हो रही है ना, उसके प्रमुख है दो कारण। पहला, आपने जो स्टूडेंट्स की बात कही, तो आजकल स्टूडेंट्स के लिए जो ये पोस्टर गर्ल्स बनी वो लड़कियां हैं, मैं इनको एक्सपोज करना चाहूंगी, ताकि जो दूसरी महिला स्टूडेंट्स है या बच्चियां है हमारी, या जो लड़के लड़कियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो ये सच्चाई देखे, जो उन तक कोई भी मीडिया नहीं ला रही है। ये दो लड़कियों का नाम है लदीदा और दूसरी का नाम है आयशा रैना। लदीदा केरल की वामपंथी, आप इसकी फेसबुक पोस्ट देखो, जो भी पोस्टर गर्ल बनकर बैठी हुई है सारी मीडिया हाउसेज में, वो कहती है कि हमारी वफादारी केवल अल्लाह की तरफ है, हमने धर्म निरपेक्षता बहुत पहले छोड़ दी है, और अफजल गुरु को फेवर करती हुई कहती है कि अगर आपको अल्लाह के मार्ग पर जाना है तो आपको जिहाद करना पड़ेगा। ये पोस्टर गर्ल है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये भविष्य की इशरत जहां है, जो आज छात्र है और कला इंडिविजुअल, हम किसी इंडिविजुअल के केस स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है? आपने अपने दलील में बात उठाई है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाता है, ये सिर्फ उस चीज को उतना देखती है। मेरे पास भी वीडियो है जिसके अंदर एक भी कोई हिंदू संगठन रोड पे उतरा है, कोई हिंदू संगठन यानी हिंदू उतरा है सिर्फ एक फिल्म के ऊपर कोई हिंदू संगठन अभी तक रोड पे उतरा है, ठीक है सर। मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगा, ठीक है? पवन सोम जी की तरफ मैं नहीं जा सका हूँ, ठीक है। अनिल जी, मैं आ रहा हूँ, पवन सोम जी की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। पवन सोम जी, ये जो पूरी राजनीति बिसात जो बिछाई गई राजनीति की, उसमें चाहे जैसा कि अभी जिक्र यहाँ पर किया गया पैनलिस्ट की तरफ से कि सत्ता पक्ष ने तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली, उसको वो पूरा फायदा मिल गया। विपक्ष ये बौखलाया हुआ कि साहब जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति है वो तो बीजेपी कर ले गई, हमारा स्पेस इसमें बचता कहां है, इसलिए मुसलमानों को थोड़ा सा गुमराह कर लेने में क्या बुराई है? करेक्ट जी, एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह से आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जब से इस बिल को पेश किया गया था, पेश करने के बाद सबसे पहले ये समझा जाए कि इस बिल में ऐसे क्या प्रावधान है, क्योंकि मैं बिल को ही पढ़ा था, इसमें ऐसे क्या प्रावधान है कि जिसमें ये मुस्लिमों के खिलाफ चला जाता है। आज की तारीख में जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो छात्र नेता हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी मैं एक टीवी चैनल के माध्यम से वो देख रहा था, तो उसमें से जो छात्र उसमें भाग ले रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए कि इस बिल में क्या है आपके खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बिल में ये है कि मुस्लिम जो है उस कम्युनिटी को काफी नुकसान होने वाला है, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये तो बात रही उन छात्रों की, लेकिन क्या एक्चुअल में उन छात्रों को या जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का उनको पता है क्या? दूसरा, अगर विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा उठा रही हैं कि जो हमारे जैसे म्यांमार है, बर्मा है, नेपाल है, वहां से कोई नहीं आने वाला, मान लिया ये 20 लाख लोग जो एनआरसी से बाहर हुए उनके लिए बिल आया है, आप समझो बात को, मैं जरा बोलूं कि हां, तो जो वहां पर हमारे जो मान लिया मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं जो वहां पर माइनॉरिटी में है, तो क्या वो उनको भी लेके आना चाहिए? ये विपक्ष की जनरली मांग है इस बिल को पेश होने के बाद। तो ये तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक झगड़ा बन चुका है हमारी जो पार्टीज हैं उनके बीच में, उसके अलावा इसमें कोरी राजनीति है, और जो फंस रहा है वो छात्र हैं, उनका भविष्य है, क्योंकि अगर वो जेल में जाएंगे लेने का एक पूरा मुद्दा बन जाता है, तो फिर इसमें हस्तक्षेप कौन करे? क्या इसमें कोर्ट को आकर के हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, भले ही इस कानून को ऐसे ही बरकरार रखा जाए या पार्लियामेंट का विशेषाधिकार है, मगर इसमें फिर होना क्या चाहिए? देखिए, इसमें अगर जो हमारे इस बीच में थोड़ा अपडेट दे दूं, जैसा कि मैं इस चर्चा की शुरुआत में बता रहा था कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं बंद है, वैसे ही दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, जिसमें मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, यहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है, मुस्तफाबाद, जामिया नगर का इलाका, शाहीनबाग का इलाका, बबाना, यहां पर मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद है, यानी कि मोबाइल कॉल्स, SMS, इंटरनेट सेवा पूरे तौर पर ठप कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के निर्देश पर मोबाइल सेवा ये बंद की गई है, दिल्ली के कई इलाकों में मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है।
तो ये एक ऐसी स्थिति दिख रही है जहां पर मोबाइल सेवा बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है, कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से लेकर के अलग अलग संगठनों के लोग हैं, इतिहासकार हैं, छात्र हैं, और इसके साथ साथ में जो आवाजाही है, यातायात है, कई इलाकों में पूरे तौर पर इस वक्त ठप दिख रही है, जिसमें मेट्रो सेवा से लेकर के अलग अलग रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये जो एक स्थिति है, अब ऐसे में अनुरोध सिंह जी, मैं आ रहा हूं उस पवन जी, उस चीज को लेकर के क्लैरिटी के तौर पर एक लाइन बोलना चाहता हूं। सर, सर जल्दी से अनुरोध भाई बोलेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, फिर अपनी बात पर आता हूं कि देखिए राजनीति होती कैसी। इस बिल लाया गया क्या है, कैसे इस विवाद में पड़े, समस्या की जड़ देखें। बिल लाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि धार्मिक प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक तीन देशों के नाम लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, यहां तक बिल अगर लाया गया होता तो कोई विरोध ना होता, लेकिन उसके आगे जब उन छह धर्मों के नाम जोड़ दिए जाते हैं और स्पेशली एक धर्म का नाम छोड़ दिया जाता है तो विवाद की जड़ वहां बनती है। वरना अगर धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यक इन तीन देश से आएंगे तो मैं नहीं समझता कि एक तरफ सरकार ये साफ कर रही है कि साहब कुछ भी कर लीजिए, हिंसा फैलाना हो फैला लीजिए, पुलिस फिर अपने बल का प्रयोग करेगी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपने तरीके से निपटेगी, फिर ये बातें नहीं आनी चाहिए कि पुलिस दमन कर रही है या बल का प्रयोग कर रही है, मगर कानून तो वापस नहीं होगा। ये जो एक टोन है अनुरोध सिंह जी, क्या इसी टोन की वजह से लोगों को ये लगता है या फिर आम जनता को ये लगता है कि साहब सरकार तो मनमाना तौर पर सब कुछ कर रही है? देखिए भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है जी, चंद लोगों से भारत नहीं चलता है कि कुछ लोग आए मंडी हाउस पे बैठ गए चार लोग उनसे भारत चंद लोग कह करके क्या वाकई से खारिज कर देना ये न्याय संगत है? नहीं, न्याय संगत है। देखिए मैं पूरी बात मैंने बोला, ये सूरज डूबेगा, एक सूरज आपका अंकार टूटेगा, रावण नहीं आप, आप राम की बात करते हैं, काम रावण का करते हैं। देखिए मैं सुन रहा था, मैं चुप था, मैं चुप था इतनी देर तक, ये डूब जाएगा सूरज। और सुन लीजिए, 20 लाख सेना है, कितना कितने लाख है, 125 करोड़ जनता है, जिस दिन सड़क पर खड़ी हो जाएगी आपकी गोली और लाठी से कौन डरने वाला? मेरे ख्याल में फसल मसाद है, मेरे ख्याल में फसल मसाद है। ये जो सेंटेंस 20 लाख सेना, आप सवा सवा अरब लोग, ये आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो आप ठीक नहीं वैसी बोलते हैं, ठीक नहीं। पुलिस को हटा लीजिए 15 मिनट के लिए, क्या कर देंगे, इसका मैसेज ठीक नहीं निकलता है। मेरे ख्याल में शब्दों से बचना चाहिए, मतलब गृह मंत्री पार्लियामेंट को कहते हैं बैठ बैठ बैठ, फिर बताते हैं भाषा है, आप अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा यहां बैठ के बोलेंगे टेलीविजन, आप अकबरुद्दीन की भाषा बोलेंगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली, आप हिंदू मुसलमान आप जैसे लोग करते हैं क्योंकि आपका फायदा होता है, आप जैसे लोग बोलते हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्यों इस्तीफा दे, बात कर रहे, अरे कौन एमपी है जो इतना अपमान सह रहा है अपने देश के अंदर, सांसद चुन के आया है, एक गृह मंत्री को आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बैठ कर बोल रहे हैं, आप क्या बैठ कर बोल रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया ने देखा, सेना हट जाएगी हम क्या कर लेंगे, आप तो अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान समस्या आप जैसे लोग करते हैं, ये भाषा है, भाषा आप गलत बोलते हैं, आप भड़काते हैं यहाँ पे बैठ के। मगर मुझे लगता है कि फजील साहब, मुझे लगता है कि उससे मुझे आपत्ति है कि 20 लाख सेना है और ऐसे में सवा अरब की आबादी है और फिर ऐसी स्थिति होगी, तो इसका मैसेज ठीक नहीं जाता है। मुझे लगता है कि R9 TV इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये किसी की निजी राय हो सकती है, मगर हम उससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल गलत है, ये भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मगर अनुरोध जी, मगर अनिरुद्ध जी सवाल ये है कि आप जब बल के बुनियाद पर आप इस प्रदर्शन को रोकेंगे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं जरा सा चर्चा को आगे सार्थक तरीके से, क्योंकि देश की जनता देख रही है और उसके पीछे परतों को खबरों को समझना चाहिए, जो कुछ भरोसा जा रहा है सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से उसके पीछे की असलियत क्या है। एक सेकंड डॉक्टर जीनत फजील साहब एक सेकंड ठीक है अनुरोध सिंह जी, सवाल ये है कि जब सरकार का टोन ऐसा होगा, बातचीत का लहजा ऐसा होगा, तो जनता को ये लगेगा कि बजाय इसमें कि नरमी के साथ चीजों को बताने के सरकार तो अड़ेगी कि साहब कुछ भी कर लो, हम जो चाहते हैं वही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में बिल को ड्राफ्ट करके भेजिए। फजील साहब
ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि शायद ये राम मंदिर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, ये लोग अपने उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अरे तो ऐसे कमेंट्स हर समुदाय की तरफ से आते हैं, ऐसे कमेंट्स किसी एक समुदाय की तरफ से नहीं आता है, ऐसे कमेंट्स ऐसे लोग हर जगह मौजूद है। ठीक है, जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, अगर हिंदू कम्युनिटी इस तरीके से बयानबाजी करने लगी तो क्या होगा? अरे सर वापस आते हैं, अगर वापस आए तो जरा इससे क्या होगा? सर जनता इस चर्चा को देख रही है, जरा उसको उसके लिए जरा सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उसको समझ में आए कि दरअसल हो क्या रहा है। जी अनुज जी, जब्बार जी ये बात है 2018 दिसंबर को मनमोहन सिंह जी ने खुद ये बोला हुआ था, अगर आप अलाउ करें तो मैं दो लाइन उनका पढ़ दूं और उस पर क्या उन्होंने बोला था पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जब अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे। अगर आप अलाउड करते तो सर बिल्कुल बोलिए, आपकी पार्टी की तरफ से बात कही गई है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री द माइनॉरिटीज इन कंट्री लाइक बांग्लादेश हैव फेस्ड द प्रोसिक्यूशन परसेक्शन लाइन पे ला रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आप? साथ में बारी पर अपनी बारी पर बोलिए सर, अपनी बारी पर बोलिए ना। 1971 में जब आप सुनिए हमारा देश नहीं, आप क्या सुना रहे हैं? आपको सुनने के लिए कोई बैठा है क्या? आप यहां पे बोलेंगे 22 लाख हम वोट हटा दीजिए, हम काट डालेंगे लोगों को? ये ठीक है, आप ये सुनने के लिए कोई बैठा है यहां पे? आप सुनाने के लिए यहां बैठे हुए हैं, इनके लात मारोगे आप? जो लोग आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाने के लिए बैठे हैं, एक सेकंड सर, मैं पूरा मौका दूंगा एक एक को पूरा मौका दूंगा, जनता तक आवाज सही तौर पर पहुंचनी। अनुज जी जल्दी से सर, बात वही अटकी हुई है, फैलाने के लिए आप भाषण देंगे? अनुज जी जल्दी से देखिए, अनुज साहब ये मनमोहन सिंह जी ने ये बात बात 2003 में किया, 1971 जब उसके बाद में तमिल के लोगों को लाया गया, इंदिरा गांधी ने तमिल लोगों को लेके आए, ठीक है, 3 महीना पार्लियामेंट नहीं चलने। अरे साहब भूल गए, तब आप नहीं बोले जब साहबानों को खड़ा कर दिया गया रबी बाजार में, तब आप नहीं चिल्लाए वहां पे आज बड़े वो बने, तब आप कांग्रेस से नहीं पूछे जब आसाम के अंदर 3000 मुसलमानों को काट दिया गया था, तब आप नहीं पूछे 1984 में सिखों को मार दिया गया था, आज आप स्कॉलर बनकर दंगा भड़का रहे हैं। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद भी इन्होंने गुंडागर्दी करके मस्जिद तोड़ दी, तब संविधान इनको नहीं याद आया, आज इनको संविधान याद आ रहा है? अरे क्या दोहरा चरित्र है? हमें लग रहा है कि हम लोग सीएस डिबेट कर रहे हैं। एक सेकंड फजील साहब, अरे फजील साहब दूसरे बहुत सारे दूसरे वक्ता यहां पर है, जरा संविधान नहीं याद आ रहा आपको? हमें लग रहा है डिबेट सही दिशा में नहीं जाएगी। ठीक, एक सेकंड अनुज जी जल्दी से, वो बात पार्लियामेंट के अंदर भी रखी जा चुकी है, उसी को दलील बनाकर के जेपी नड्डा ने भी अपनी बात रखी थी। सर सर सुनिए ना सर, सर अनुज जी जल्दी से, मंत्री बोल चुका था इनकी। अरे सर फजील साहब रुकिए ना, एक सेकंड, गृह मंत्री जो बात बोल चुका, एक सेकंड रुकिए ना सर, सर सरकार ही गुमराह कर रही है पब्लिक को। अनुज जी देखिए कौन क्या बोल रहा है, हमें उस पर नहीं जाना है, जो जो अपने मंत्री को नहीं मानते। अरे आप जो बोल रहे हैं आपको क्यों मानेंगे? काउंटर एक लाइन पर ऐसे करेंगे सर, कैसे चर्चा कर सकते हैं? नहीं हो पाएगी सर, हर लाइन पर आप काउंटर करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। हम हिंदू इस देश के अंदर मोहम्मद रफी भी है, बिस्मिल्लाह, ये लोग अफजल गुरु के वो है, इनको ये नहीं पता है 1947 में पहला व्यक्ति कौन शहीद हुआ, इनको ये नहीं पता है कि भारत के अंदर पहला व्यक्ति कौन शहीद हुआ है भारत पाकिस्तान युद्ध में, उसके घर नहीं गए होंगे, उसका नाम नहीं पता होगा, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को नहीं जानते, ये अब्दुल कलाम को नहीं जानते हैं, ये मोहम्मद रफी को नहीं जानते हैं। अनुज जी, अनुज जी वापस आए, अनुज जी वापस आए, अनुज जी नहीं जानते, अनुज जी वापस आइए, अनुज जी वापस आइए, अनुज जी वापस आइए, ये तस्वीरें इस बीच में हम लगातार दिखा रहे हैं जो सीधी लाइव तस्वीरें आ रही है दर्शकों को, लेकिन अनुज जी जल्दी से सर देखिए जो सीए का जो उसमें हुआ है अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें साफ साफ पहले भैया कांग्रेस करे तो उनका बहुत बढ़िया बहुत चमत्कार कर रहे हैं, हम करने जाएं जी सांप्रदायिक हो गए। अरे इसमें ना भारत की कौन से ना हिंदू मुसलमान किसी का भारत क्लियर है ना, कोई इस पूरे मामले पर कोई किसी का बदलाव नहीं नुकसान नहीं है, बदलाव नहीं होगा इसमें, साफ साफ ठीक में है। ठीक है ठीक है सुन लीजिए, ठीक है अरे सुन लीजिए साहब, हमें भी सुन लीजिए ना, आपको सुनने के लिए कोई ना बैठा है क्या? 22 लाख हटा दीजिए हम काट के फेंक देंगे, आप अकबरुद्दीन उवैसी को बुला के लाते हैं साहब, मैं आपकी तरफ सर प्लीज एक मिनट। अनिल मिश्रा जी ये जो स्थिति है, एक पॉइंट जिसको लेकर के चर्चा बड़ी कम हुई है कि क्या जिस वक्त 1947 या फिर नेहरू और लियाकत के बीच में जो पैक्ट उसके बाद 1955 का हुआ, क्या वो जो 72 वर्ष पहले 70 वर्ष पहले स्थिति थी जिस स्थितियों में और जिस संगीन साय में उस कानून को लाने की जरूरत पड़ी थी, या फिर एक ऐसा पैक्ट किया गया था, क्या 71 वर्षों के बाद में भी वही प्रासंगिकता आज है? नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, मैं भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह बहस ना करें, आपस में अपनी बात कहें तो अच्छा लगेगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, बस मुश्किल से 1-1.5 मिनट लूंगा। एक तो पहले आप देखिए विवाद किस पर है, सीएए पर।
लेकिन सीए पर कहीं भी आप अपना चैनल देख लें या किसी और चैनल को देख लें या जनता के बीच जो यही हमारे पैनल में भी आवाज उठ रही, देखिए फीलिंग क्या उभर रही है, विवाद क्या पैदा हो रहा है, इस पर गौर करिए, देश को इस पर ध्यान देना है। आप देखें एक वर्ग की फीलिंग अपने लिए है, एक वर्ग की वर्गों की जो धर्मों के आधार पर मन में एक फीलिंग पैदा हो रही है, एक नफरत पैदा हो रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखें कोई व्यक्ति कोई नेता इस पर सीए पे बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है वो पूरी तरह से अलगाव का पैदा किया जा रहा है। तो देश की जनता को यह समझने की जरूरत है, इसमें कोई सही नहीं कोई गलत नहीं, लेकिन इन राजनीतिक पार्टी और इन राजनीतिक नेताओं से समझने की जरूरत है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा विरोध इस बात पर, मेरा भी विरोध है कि सरकार का अहम है, मैं कहता हूं एक बिना किसी पार्टी से मिले हुए, आप देखें अभी आपने पढ़ा कि मोबाइल सेवा तक बंद करनी पड़ रही है, आप पिछले 5 दिनों में जब से बिल पास हुआ है आप किसी सत्ताधारी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक किसी नेता का यह आह्वान आपने सुना कि भाई अगर आपका विरोध है तो आइए हम आपके साथ बैठते हैं, आपका विरोध सुनते हैं, कहीं यह आवाज नहीं उठाई जा रही, बल्कि यह कहा जा रहा है कि आपको हम विरोध नहीं करने देंगे, उसके तरीके अपनाए जा रहे हैं। और अगर जब मीडिया के द्वारा या किसी हमारे आप जैसे व्यक्ति के द्वारा जामिया में हुई घटना जहां बच्चों को और महिलाओं को या लड़कियों को पीटा गया उसके सबूत के साथ पेश कर रहे हैं तो सिर्फ एक लाइन बोली जा रही है, प्रश्न यहां यह उठता है पिस्ती जनता है। अब आपका प्रश्न आता है कि जो 47 से लेके नेहरू लियाकत अली समझौता से लेके आज का माहौल क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए उस वक्त की स्थिति परिस्थिति दूसरी थी, नेहरू जी के द्वारा उठाया गया कदम निसंदेह बहुत अच्छा था और उसको पूरे भारत में स्वागत किया था, लेकिन वही 1971 में, मैं खरा सच बोलूंगा मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, 1971 में जब असम के साथ समझौता होता है तो यही बीजेपी ने उस समझौते का विरोध किया था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं पूरे निष्पक्षता से। और उसके बाद और जो 1971 का युद्ध का जो 84 में समझौता हुआ था उस पर बीजेपी ने उसका विरोध किया था, और आज हालात बदले हैं, आज हालात बदले हैं और वही बीजेपी जब सत्ता में आती है तो उस पक्ष को लाती है, देश स्वागत करता और करेगा निश्चित रूप से करेगा, किसी भारतीय का इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा यही सियासत की जाती है। अगर वहां लिख दिया जाता पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को हम नागरिकता देने जा रहे हैं, यह उसका बिल है, मैं चैलेंज करता हूं किसी संसद में या पूरे भारत में किसी एक आम नागरिक को खड़े होकर विरोध करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन उसके आगे उन चार सोमजी की तरफ आऊंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें इस बीच में कुछ आग लगा देना, कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है जो बिल्कुल देखने में सुनने में अच्छी नहीं लग रही। उत्तर प्रदेश के संभल का इलाका है जहां पर आगजनी मचाऊंगा, जरा तस्वीरें को दिखाइए भाई, उत्तर प्रदेश के संभल इलाके से जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, बसों में आग लगाई जा रही है, हिंसक प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं, यानी कि पुलिस कानून व्यवस्था प्रशासन जो कि पिछले एक हफ्ते से इस पूरे मामले को लेकर के अगर सतर्क था तो फिर ऐसी तस्वीरें ऐसी आगजनी की बातें सामने क्यों आ रही हैं? क्या ये भी पुलिस प्रशासन के ऊपर एक, ये देखिए पत्थरबाजी हुई है और यहां पर बुरी तरीके से बसों को जलाया गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जाहिर तौर पर जब कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है और उसको अगर किसी भी तरीके से बल के जरिए उसको रोका जाता है, आमतौर पर जो लोग इस बात के पक्ष में होते हैं कि हमें विरोध प्रदर्शन किया करने दिया जाए, जब उनको दबाया जाता है तो फिर हिंसक भीड़ होती है, ये किसका पहलू है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई भी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो उस प्रदर्शन का जो मकसद है वो मकसद खत्म हो जाता है और फिर सरकार को ऐसे प्रदर्शन को दबाने के लिए और आसानी पैदा हो जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ऐसी तस्वीरें देखने के लिए या ऐसी ऐसी ऐसे उत्पाद मचाने के लिए अधिकार अख्तियार किसने दिया? क्या वो वाकई अपने मुद्दों को लेकर के सही तौर पर आगे बढ़ रहे हैं या ऐसी तस्वीरें सामने ला करके अपने ही मुद्दों से खुद को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जान करके या फिर अनजाने में? ये तमाम चीजें ऐसी हैं, तस्वीरें ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के संभल इलाके से सामने आ रही है। जी सर, आपका साथ देना चाहता हूँ, पत्रकार की है, हमारे भाई हमारे मित्र हैं अनिरुद्ध जी, ये हो या भाजपा के किसी प्रवक्ता के द्वारा बार बार ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि चुनिंदा मुट्ठी भर लोग के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है ये अलोकतांत्रिक है, लेकिन अगर अब हम गौर करें पूरे देश में इस तरह का विरोध हो रहा है, इसका समर्थन मैं कहीं नहीं करता, अगर आग लगाते हैं और पत्थर करते हैं मैं क्या, मैं नहीं समझता कोई सभ्य नागरिक करेगा, लेकिन ये उकसाने की एक प्रवृत्ति हो जाती है, ये उसमें एक आग में घी डालने का काम करता है, जब सत्ता पक्ष विरोध करने वालों
को यह कहने लगता है कि तुम अलोकतांत्रिक हो, तुम चुनिंदाधारी हो, 130 करोड़ जनता हमारे साथ। और ऐसे में पवन सोम जी क्या ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जो कि बेवजह आकर के सर यहां पर, जब यहां पर इसमें पूरे सब लोग यहां पे एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, और जब वो ऐसी भाषा की बात सुन लेते, मेरी बात बस, जब वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और हम लोग ही थोड़ा सा अपनी उल्टी सीधी भाषा हम लोग भी बोलने लगते हैं, तो जो वो बच्चे हैं जो अभी इतने ज्यादा समझदार भी नहीं है, जब उनके ऊपर इस तरह के प्रहार होते होंगे तो सोचो वो क्या कर सकते होंगे जी, बच्चे। ठीक है जब्बार भाई, इसमें एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर सरकार ने कोई बिल लेकर आई है और उसका अगर प्रदर्शन बहुत हिंसक हो गया है तो वहां की जो स्टेट सरकारें हैं पूरे भारत की उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, मशीनरी के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है उस पूरे के पूरे दंगे से या जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को से निपटने के लिए। अब हमें यह भी देखना है कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में काफ़ी जगह पर सरकारें बीजेपी शासित भी हैं, कुछ जगह पर आपके अन्य दलों की सरकारें भी हैं, तो क्या सारी मशीनरी पर दबाव नहीं पड़ रहा, हर एक पर पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर हमारे इस हिंसक प्रदर्शन से कोई मसला हल होने वाला है तो ये और भी ज़्यादा उग्र होना चाहिए, लेकिन क्या किसी हिंसा से कोई मसला हल होता है या अब से पहले किसी हिंसा से कोई मसला हल बिल्कुल भी नहीं, न कभी हल हुआ है न कभी हल होगा। इसलिए प्रदर्शनकारियों से भी R9 टीवी की अपील है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज के नुकसान से बचे, कोई ऐसा हिंसात्मक कदम ना उठाए जिससे उनका ही मकसद पीछे चला जाए। जितेंद्र चौधरी जी, अब ऐसी स्थिति में इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार कौन है? आप तो कहोगे साहब, बड़ी आसानी से कहेंगे कि साहब सरकार जिम्मेदार है, मगर क्या वाकई सरकार जिम्मेदार इन चीजों के लिए? नहीं, देखो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मोदी जी को कहा था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप धर्म नहीं राजधर्म अपनाइए। अब जब राजधर्म नहीं अपनाया जाएगा, कोई धर्म से देश को चलाना चाहेगा तो फिर वहां तो हालत यही होनी है। जब्बार जी, जब अटल जी कह गए, अन्य तमाम बिल पास होते हैं पूरे देश में, बीजेपी की सरकार अटल जी की रही है और अन्य पीछे देखो जब से देश आ जाता है अन्य सरकार बदलती रही है, वहां पे तमाम बिल जो लाए जाते हैं वो देश की जनता की भलाई के लिए लाए जाते हैं। सर सुन लीजिए, आप बताइए ना क्या। अरे सर सुन लीजिए, फर्क है और क्या है? हमें बोलने दीजिए, मतलब क्या कर रहे हैं? राम होने का दावा तो करता है, ये दावा पूरे देश वाले सर सुनिए, बीजेपी अच्छी बीजेपी, आज आपको बीजेपी बुरी लगने लग गई। मेरे भाई काम करेंगे तो बुरी तो लगेगी। मेरे भाई मेरी बात सुनो, ऊपर थूकोगे तो ठीक है। अरे मेरी बात तो सुनो जितेंद्र जी, बहुत गंभीर विषय है, पूरे देश में आगजनी और दुनिया भर की हिंसा हो रही है, आप लोग इस तरीके से ढीलेपन से डिबेट को ले रहे हो, अच्छी बात नहीं है। आप देश के समझिए इसका मामला क्या है, आप इस तरह हिंदू मुस्लिम में जा रहे हैं। हमने कहा था, अटल जी ने कहा था, अगर आप धर्म नहीं राजधर्म की, राजधर्म का मतलब समझते हो? नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए, पढ़ लीजिए बताया अभी ना, समझ में आ जाए। सर सुन लीजिए, राम और रावण, सर सुन लीजिए मेरी बात। देखो मुद्दा बड़ा गंभीर है, आग फैलती जा रही है, यदि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, यदि तमाम जगह पूरे राज्य में, सर सुनिए, पूरे राज्य में जब आगजनी फैल रही है तो सरकार को पहल करनी चाहिए। आपको दिक्कत क्या है? हमसे हम बैठ के आपको समझाते हैं। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी की तरफ आऊं, मैं अनिरुद्ध जी की तरफ आऊं, डॉक्टर जीनत, ठीक है डॉक्टर जीनत अंसारी, सरकार क्या इस हिंसा से, क्या इस हिंसा से कानून को बदलवाने के लिए दबाव डाल करके कामयाबी मिल जाएगी? नहीं नहीं, ये गलत है। हम लोग जितना भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और हमारे मुस्लिम समाज में कहीं भी हिंसा से कोई भी बात करना बहुत बड़ा, किसी भी धर्म में हिंसा की गुंजाइश नहीं है हमारे तो खासकर हम। और जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मेरे भाई बार बार कहते हैं कि ये उस किन के अफजल गुरु की नीति पे चल रहे हैं, तो हमारे धर्म में जो भी अफजल गुरु जैसा इंसान होगा वो मुसलमान कहलाने लायक ही नहीं है। अगर शायद मुझे भी इजाजत मिले तो मैं भी उसका सर कलम कर दूं, वो मुसलमान ही नहीं है। जो गलत काम करता है ना हम उसके फेवर में है, और ना कभी कोई भी मुसलमान, ना कभी कोई मुसलमान, हम लोग उसके फेवर में नहीं है। और हम लोगों को फिर टारगेट किया जाता है कि आप अफजल गुरु की तरह बोल रहे हैं, ये बोला जाता है कि आप अफजल गुरु की तरह, अफजल गुरु को हमारा कोई मतलब नहीं, अफजल पूरी सरकार फेल हो गई।
पर हाँ ये है कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए, शांति से सोचना चाहिए। अब जब गुरु तक दिल्ली तक पहुंचाया कौन, हम तो उस पर शर्मिंदा है। ठीक है, समझना है, नेतागिरी नहीं करके आपको कहीं ना कहीं नेतागिरी से काम लेना चाहिए। तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं नेतागिरी, तो यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे, हमारे लिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है, हम लोगों की सरकार आज जो सरकार अगर आप आंकड़े सरकार को रोकना चाहिए, मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप आंकड़े देखें तो इस बार मुसलमान ने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया, इस बार मुसलमान ने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया, मुसलमान ने सबसे ज्यादा, और उसके बाद नेट बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है, मगर अनुरोध जी, एक वो सवाल, एक वो सवाल जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, कि इन तमाम चीजों के बीच में आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, आलाकमान की तरफ से यह कहा गया कि साहब इस कानून के पीछे जो भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा, उसके षड्यंत्र में आप लोग मत आइए, मगर ये कभी नहीं कहा गया कि आइए हम बैठ करके बातचीत करते हैं, इसको समझाते हैं और इस मुद्दे पर कोई हल निकालते हैं। क्या अगर ऐसी पहल की जाती या अभी भी की जाए तो शायद इसमें थोड़ी नरमी आए। राज्य मंत्री राकेश सिन्हा का ट्वीट इन्होंने पढ़ा, वो कहते हैं कि ये राज्य मंत्री नहीं है, नहीं नहीं राज्य मंत्री राज्यसभा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि ये 1947 का भारत नहीं है, ये मतलब कि उन्होंने किस तरह से वो धमकी दे रहे हैं कि ये मत समझे कि ये 1947 का भारत नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, मुसलमान कुछ भी करे तो हिंदू, ये तो जो चला ही रहे थे स्वच्छ भारत अभियान, उसका मतलब ही नहीं समझे, स्वच्छ भारत अभियान वो मतलब ही वही था, अब वो जो स्वच्छता चला रहे हैं, मतलब इसका मतलब मुसलमान गंदगी है, इसका मतलब मुसलमान गंदगी है, इसका मतलब ये तो आप विष्णुवर्धन जी, आप हल्के से, बड़ी बड़ी ये कह रहे हैं इन्होंने मुस्लिम समाज को क्यों रखा है सर, मैं एक सेकंड पूछिए ना वो सवाल अनुरोध जी, क्या इस पर अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल की जाती कि साहब आइए बैठिए बात करते हैं, इसको आपको हम समझाते हैं और उसके बाद आपको अगर संतुष्टि नहीं होती है जी, फिर कोई बात आगे कीजिए। बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक निजी चैनल पे जाके ये बोला, प्रधानमंत्री जी का आया, मैं खुद नेशनल आईटी हेड हूं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का, कॉन्टिन्यूस मेरा खुद का अपना सेल सारे स्टेट के अंदर हर जगह पे, हम लोगों के साथ में समन्वय बना के उनसे बातचीत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, मेरा खुद का सेल डेली मैसेजेस व्हाट्सएप्स पे हर चीज पे कि इस बिल का ये चीजें हैं, मेरे पास खुद ऑलरेडी अभी ये चीजें हैं, अरे सुन लीजिए जनता को क्या लेना, नहीं नहीं बिल पास जब्बार जी, अरे डिबेट में जब्बार जी ने चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग, जब्बार जी चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग, एक सेकंड जितेंद्र जी सर एक सेकंड, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हो जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जामिया के समूह हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, सिलमपुर का इलाका हो, दक्षिण भारत का इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, जहां पर वहां के कुछ प्रतिनिधियों को बुला करके सरकार बैठ करके बातचीत करती, उनको समझाने की कोशिश करती, वही बता रहा हूं मसला, दरअसल उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, ये सारी चीजें जो अभी चल रही हम लोग, बात यह होता है कि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और भाजपा ही नहीं कई दलों के लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोकसभा में बिल पारित करते हैं, राज्यसभा में तो हमारा बहुमत भी नहीं था फिर भी लोगों ने हमें, चाहे बीजू जनता दल हो चाहे टीडीपी हो, लोगों ने हमें सपोर्ट किया, राज्यसभा में पारित हुआ, अरे भाई लोकतांत्रिक मूल्यों से पारित हुआ ना, चर्चा करके पारित हुआ, जनता के प्रतिनिधियों ने पारित किया उसको, तो हम कैसे उस पर इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, हमारा ये अगर ठीक है, अगर उसमें किसी को लेके आपत्ति होती है कि नहीं है तो चर्चा करें, उस पर हिंसा क्यों फैला, अगर हिंसा फैलाती पुलिस कुछ एक्शन करती, साहब पुलिस एक्शन नहीं कर रही, एक्शन करती तो क्यों एक्शन कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंसात्मक आंदोलन कोई भी होगा वो बर्दाश्त लोकतंत्र में नहीं किया जाएगा, नहीं मगर इस आंदोलन को नहीं, आप बताइए ना क्या इस आंदोलन को हिंसात्मक होने के लिए आप रास्तों को बंद कर दोगे, मेट्रो सेवाएं बंद कर दोगे, यहाँ पे आग सेवाएं बंद कर दी जाएगी, पता चले सारी चीजें बंद हो जाएंगे, तब क्यों चिल्ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आग लग रहा है, लोग पीटे जा रहे हैं, डालने का काम तो होगा ना कि सरकार, मैसेज क्या जाता है, मैसेज क्या जाता है, नहीं आप ये ना बोलेंगे पुलिस ने रोका नहीं, पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया, आम जनता के बीच में मैसेज क्या जाएगा कि साहब सरकार को दुर्व्यवस्थित दबा रही चीजों को लेकर, नहीं और हिंसा बढ़ती है, सरकार ने तो कोई अपने मन से लाया नहीं भाई, 370-35 है जैसे नेहरू जी ने एक साइन करके ला दिया था, ऐसा लाया नहीं, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई, राज्यसभा में दोनों राज्यसभा में हमारे पास तो बहुमत तक नहीं था फिर भी हम पास कराते हैं, जिसका मतलब है कि लोग हमारे साथ थे वहाँ पे, और उसका अरे साहब क्या आपके चिल्लाने से नहीं होगा ना, कानून बना है, अगर ऐसा होता डर गई हमसे, अगर ऐसा होता डर गई, क्या बात करते, जनसेना तो आपके साथ है, कांग्रेस
कांग्रेस के साथ है वो क्यों हमारे साथ खड़ी है? शिवसेना आपके साथ है क्यों हमारे साथ खड़ी है? क्यों राष्ट्रपति से मिलने नहीं गए वो लोग? क्यों लोकसभा में साथ देते हैं? क्यों राज्यसभा में वॉकआउट करते हैं? आप क्यों नहीं पूछ पाते? ठीक है विष्णु विनोदम जी, ठीक है एक सेकंड जितेंद्र जी, एक सेकंड मैं फजल साहब आपकी तरफ, विष्णु विनोदम जी की बात मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, विष्णु विनोदम जी की बात मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, विष्णु विनोदम जी, ये क्या सरकार का पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बिल पारित करा देना, क्या ये दर्शाता है कि देश की जनता की भावना का उसमें ख्याल रखा गया, या फिर उस पर अब विरोध नहीं होना चाहिए, या फिर उस पर विरोध नहीं होना चाहिए, या इस बीच में सरकार का जो करेक्टर रहा है, ऐसे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करने का कोई तरीका, कोई रास्ता ढूंढा गया, नहीं ढूंढा गया तो कितना उचित है? जवाहर साहब, ये पूरा एक प्लान बहुत लंबे समय से चल रहा था जो मुझे प्रतीत होता है, और नफरत फैलाने का जी नहीं, नफरत फैलाने का नहीं, आप पूरी बात को देखो इस तरीके से बीच में बोलोगे तो मैं कोई बात नहीं बता पाऊंगा, उसी से मुड़ जा रही है चर्चा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ये टाइम दीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, इन्हीं के बाद आ रहा हूं, बहुत समय से प्री प्लान था, अभी कुछ दिन पहले ही फजील साहब खूब भारतीय जनता पार्टी करते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन अब जाकर के इनको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत हो, हिंदू मारा गया आप कुछ किए नहीं, हम तो कह रहे पाकिस्तान पे हमला करो, कल हमला करो, हम बंदूक लेके चलेंगे सैनिक के साथ, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ, कैंसर का पेशेंट जो भारतीय नागरिक, जो भारतीय विष्णु यही श्रम विनोदन जी का नाम उन्हीं का है, उन्हीं को बोलने दीजिए जी। देखिए ऐसा है, ये बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला गया और उसमें कहीं से कहीं तक कुछ किया नहीं गया, खेला ट्रम्प कार्ड, जाहिर सी बात है ट्रम्प कार्ड किसने खेला? भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, और इस खेलने के बाद ये सारे दल उसमें फंस गए और आकर के गिर चुके हैं। अब ये देखिए आप इस तरीके से उंगली बता रहे हैं, अब समस्या क्लियर कर दीजिए, देखिए एक बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, काम किया कांग्रेस, बात कांग्रेस यहाँ तो कुछ किए बगैर, अब अगला भारत दिल्ली को मिलेगा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो काम कर रहे हैं पूरे समाज में डर, अभी भारत रत्न से आपका अधिकार है, ठीक है फजील साहब आपको ऐसा मौका देते हैं, सर आप बोल लीजिए, दो मिनट दस के बाद किसी के बारे में आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, फजील साहब घंटा आपको मिलेगा, फजील साहब चलिए फजील साहब ठीक है, एक मिनट फजील साहब सरकार के जाल में सभी विपक्षी दल फंस गए, और विपक्षी दलों ने ऐसी स्थिति में एक रास्ता ढूंढा कि साहब लोगों के जनता को के इमोशन से थोड़ा सा खेला जाए, सड़कों पर उन्हें उतार दिया जाए, मैं बताऊं सर जल्दी से, और फिर किसी दूसरे के बारे में आप इंटरव्यू के अंदर एक डीएम का आंदोलन में मॉब लिंचिंग हो गई, याद है आपको? ठीक है, पटना में उसमें 4 एमपी एमएलए पूर्व मंत्री लोग पकड़ के गए, लालू यादव आकर के उस डीएम के ऊपर एक भी चोट का निशान नहीं था, हार्ट अटैक हुआ था उनको, सबको बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया, डीएम के आ करके जेल में उस डीएम के ऊपर फायरिंग करवाया लालू यादव ने, और इन लोगों को इनकाउंटर करने के लिए पुलिस लगा दिया, वो तो तत्कालीन डीएम ने जीडी में एंट्री कर दी गिरफ्तारी की, तो ये लोग बच गए, नहीं तो ये लोग भी काउंटर कर दिए गए होते, ये है सरकार, ऐसे करती है सरकार काम, आप समझिए बात को, सरकार ऐसे काम करती है, आपको आप डकैत फिल्म देखे ना, एक मिनट डकैत फिल्म देखे ना, डकैत में जो सनी देओल वो दरोगा जो है जंगल से पकड़ लाता है दो ठो मजदूरों को मार के कहता है देखो देखो मैंने डकैत मार दिया, यही पुलिस करती है, अरे किससे छिपा है पुलिस को, कौन अच्छा हिंदुस्तान की 125 करोड़ कौन पुलिस को अच्छा करता है, आप लोग पुलिस 12 बजे आपके घर में आ जाए आपके परिवार की नींद हराम हो जाती है, और मैं आप पुलिस को अच्छा करने लगे, पुलिस को कोई अच्छा नहीं, जिस गाँव में पुलिस आ जाती है ठीक है डॉक्टर जीनत अंसारी, ये जो तस्वीरें देख रहे हम लगातार दिखा रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जो एक्चुअल इनमें से क्या वाकई बेशतर लोगों को पता है कि ये कानून है क्या, और इसके जरिए उनको नुकसान क्या होने जा रहा है या नहीं नुकसान हो रहा है? हाँ ये बात है, बताइए तो इसका मतलब मैं समझना चाहता हूँ, समझेंगे तभी तो इमोशन की बुनियाद पर सड़कों पर करके करते हैं, मैं जब्बार भाई मैं आपसे एक बात समझाइए, इसका मतलब मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट है किसी को पता नहीं है, और नोटिस ऐसे पास देखम दाखी जैसे कि भागो भागो शेर आया, किसी को पता नहीं,
और भीड़ एक दूसरे के पीछे भाग रही है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब किसी को मेरी बातों का कोई मतलब मत निकालिए, मैं सवाल पूछा है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने कहा कि जो पब्लिक भीड़ को जो आग जने कर रही है, बताइए दूसरी बात नहीं, आप बिल की कमी वही है जब अल्पसंख्यक में मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया है, अल्पसंख्यक में मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया है, इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन जो है सिर्फ ये इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है इसका, इस पर एक काउंटर क्वेश्चन आता है कि तीन देशों में क्या अल्पसंख्यक मुसलमान है, पाकिस्तान बांग्लादेश समझ पा रहे नहीं नहीं ये 20 लाख निकाले गए उसमें 8 करोड़ असम वाले की बात कभी छोड़ दीजिए, दूसरा पहलू मैं ये कह रहा हूं क्या वो तीन देश जहां पर बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान वहां पर धर्म के आधार पर किसी मुसलमान के साथ में भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर बताइए, धर्म के आधार पर सिर्फ, दूसरे तरीके से शिया सुन्नी का अलग मसला हो सकता है, महाजिर का अलग मसला हो सकता है पाकिस्तान में, एमक्यूएम धर्म के आधार का करके पाकिस्तान धर्म के आधार पर, वो देख इंडिया नहीं है, वो इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, वो इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, और ये तस्वीरें गुजरात से ये तस्वीरें जो एक आर्मी में संभल से लेकर के गुजरात अहमदाबाद की तस्वीरें, ठीक है, उनको एनआरसी में नाम ना होने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया, कैसे जवाब मुकम्मल जवाब कैसे मुकम्मल जवाब कैसे, आप सिर्फ चीखने से, आप सिर्फ चीखने, जब मैं मुकम्मल जवाब दीजिए, अल्पसंख्यक मुसलमानों को, जीना साहब जीना साहब जीना साहब जीना साहब बताइए बताइए, सुन लीजिए ठीक है, सर सुनिए मैं बता देता हूँ जी। ऐसा है मेरे भाई विष्णु जी, आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान का सुनो, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पहले से पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार अफगानिस्तान में बस गया या श्रीलंका में बस गया, वो मुसलमान ही है सपोज करो, और वहां पर उसके साथ प्रताड़ना होती है, अच्छा, और वो वापिस आता है अपने देश में, भारत का निवासी है, भारत का मूल निवासी था, तो आप अब उन्हें लोगे या नहीं लोगे मुझे ये बता दो, इसमें कानून में है उनके लिए जगह या नहीं है, भारत तो मूल निवास पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे सुन लीजिए पूरे देश को मत, मैं तो उनको कह रहा हूँ भारत से वहां जाने के लिए नहीं लोगे, ये सर ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, पाकिस्तान में भारत मूल निवास पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश, जवाब आपके पास नहीं, हमारे से बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जब जवाब आपके पास है नहीं तो आप बता नहीं पा रहे, मगर मैं अनिल मिश्रा जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, सन 1971 में, ठीक है अनिल मिश्रा जी, ये तस्वीरें संभल इलाके की है, कंट्रोल पुलिस से फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लोग हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर कुछ इस तरीके से सड़कों पर है, और अच्छी बात यह है कि लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों के भी झंडे बीच बीच में देखे जाते हैं, जाहिर तौर पर राजनीति भी इस पर हो रही है, सत्ता पक्ष या विपक्ष हर तरफ से, मगर अनिल मिश्रा जी मेरा सवाल है कि 2016 में जब इस बिल को इस ड्राफ्ट को पहली बार टेबल किया गया था, और उस वक्त एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा था कि करीब करीब 2 लाख के आसपास जो पूरे दुनिया से हैं यहां पर शरणार्थी रह रहे हैं, 2,00,000+ के आसपास में, इन तीनों देशों से करीब करीब 1,16,000 के आसपास शरणार्थी पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के हैं, मगर 2019 में जब जेपीसी की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में 33,000 का जिक्र किया गया जी, तो सवाल यह कि फिगर कौन सा सही है, अगर इन्हीं तीन देशों की बात किया जाए 1,16,000 का वो फिगर सही था, तो उसमें से 33,000 अगर निकाल दिया जाए तो एक बड़ी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है शरणार्थियों की जो कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक के अलावा है, यानी कि मुसलमान या किसी दूसरे समुदाय के, तो फिगर कौन सा सही है और उन लोगों के साथ में क्या किया जाएगा? देखिए यही समझने वाली बात है, विवाद जो अभी तक यहां भी बहस हो रही है पूरे देश में जो चल रहा है, दिक्कत क्या है कि समस्या का समाधान नहीं बताया जा रहा है, या समस्या को ही नहीं बताई जा रही समस्या कहां है, समस्या को और उलझाया जा रहा है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको क्लियर कर देता हूं, चूंकि CAA जिसको पहले CAB बोला गया, इसके लाने के पहले इस सरकार के द्वारा असम में जो NRC लाने का एक कदम उठा लिया गया, उठाया तो 2013 में ही गया था, UPA गवर्नमेंट में किया गया था, लेकिन उसकी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में इस गवर्नमेंट ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और वो असम में एक कार्रवाई पूरी की गई। जो अभी आपका प्रश्न था आंकड़ों बेस पर, तो वो चूंकि UPA गवर्नमेंट कहिए या कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके आंकड़े कुछ और हुआ करते थे, कांग्रेस गवर्नमेंट तो 2 करोड़ शरणार्थी बताया करती थी, लेकिन मैं उसमें उलझना नहीं चाहता, हम ओवरऑल अगर चले आए आज की समस्या पर, तो जब NRC होती है तो आज की डेट में 19 लाख
करीब 40 या 42 हजार, जो कि अगर हम सच बोले निष्पक्ष होके, तो यही हमारे आज के गृह मंत्री अमित शाह जी भी सदन में और कई चुनावी सभाओं में कह चुके थे कि 2 करोड़ घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करूंगा। लेकिन जब एनआरसी होती है असम में, और असम में निकलते हैं 19,42,000 या 40,000 के लगभग। अब जो ये विवाद की जड़ है, ये जो एक वर्ग विशेष तौर पर, मैं ये नहीं कहता केवल एक वर्ग विरोध कर रहा, विरोध तो सभी इसमें सभी शामिल है, लेकिन एक वर्ग का विशेष विरोध है, उसका कारण ये असम से जनरेट हुआ है। असम का एनआरसी होना, एनआरसी का रिजल्ट आना, और रिजल्ट पर जिस भाजपा सरकार का इसमें इंटरेस्ट था, उसी भाजपा सरकार का रिजल्ट देखते हुए उसके विरोध में खड़े हो जाना। तो उस एनआरसी को जब यहां सीए के रूप में लाया गया, उस एनआरसी मतलब कोई वही एनआरसी नहीं लाई गई, लेकिन सीए को लाया गया, तो जो विपक्ष का विरोध है या जो इस आम जनता का विरोध है, वो सिर्फ यही है कि चूंकि वहां 19 लाख में, जैसा एक पता चला है कि लगभग 5 लाख कुछ हजार मुस्लिम आए हैं, बाकी सब अन्य धर्मों से रिलेटेड है, चूंकि सीएए में, तो क्या आप समझे, आप बात समझे, आप बात समझ में 2 मिनट में क्लियर कर दो, चूंकि 5 लाख कुछ मुसलमान हैं, बाकी सब अन्य धर्मों में जिनमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो अब ये सीए मनी कहता कि उसी कारण से लाया गया, लेकिन उसी वक्त सीए लोकसभा या राज्यसभा में बिल पास कराया जाता है, विपक्ष का और खासकर एक वर्ग का विरोध है, जो हमारे गृह मंत्री जी माननी ने सदन में खड़े होकर कहा कि गैर मुस्लिम जो भी अल्पसंख्यक है, इस बिल के द्वारा अब उनसे किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं मांगा जाएगा, उनके ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे और उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन कि जो 5 लाख कुछ मुसलमान हैं वहां पर, जो उनकी काउंटिंग में आए हैं, तो वो भी अपने को भारतीय कह रहे हैं, वो वहां पर आज करीब 30-35-40 सालों से शरणार्थी बने हुए हैं, तो विरोध की जड़ वहां से पैदा होती है। मैं बार बार कहूंगा इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, क्योंकि असम में जो एनआरसी को लेकर विरोध हुआ, जो असम जल रहा है, वहां पर मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, वहां पूरी की पूरी असम की जनता कर रही है, वो अपने संस्कृति और अपने सजावट को बचाने के लिए कर रही है। तो ये वहां पर कहना कि ये केवल मुसलमानों का विरोध है, ये गलत है। एक लाइन में कहना ये है कि सरकार ने उन 14 लाख हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए इस सीएए को लेकर के, मेरा नहीं, ये विपक्ष जो आज विरोध कर रहा है या जो विरोध करने लोग रहे हैं, उनका ये बेस है, उनका ये बेस है, और इस बेस पर वो जनता को समझा रही है, जिसके कारण जनता उनके साथ खड़ी हो रही है। जनता इसको किस नजरिए से समझे, क्या 19 लाख जो कि उस एनआरसी के दायरे से बाहर है, जिनमें से 5 लाख के मुस्लिम है, 14 लाख के आसपास हिंदू है, और उन्हीं हिंदुओं को एक तरीके से नागरिक, देश का नागरिक बनाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है, यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति, जैसा कि इस वक्त आरोप लग रहा। मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं अनिरुद्ध जी। असल में अगर हम लोग आंकड़ों को देखें तो जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 33,000 गैर मुस्लिम जो शरणार्थी हैं, जो यहां अभी रह रहे हैं एट प्रेजेंट इंडिया में, ये जो आपका ड्राफ्ट बना है पूरे बिल का और जो ये एक्ट पास हुआ है, ये केवल अभी उन्हीं को फैसिलिटेट करेगा मौजूदा तौर पर। लेकिन अगर हम लोग असम के परिप्रेक्ष्य में चले जाते हैं, तो जब असम में एनआरसी को लागू किया गया और एनआरसी के जो रिजल्ट आए थे, उन रिजल्ट्स में देखा हमने, उसमें कुछ हमारे हिंदू लोग भी थे, उसमें कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी थे, तो उसमें सारे मिला जुला करके वो लोग आए थे। लेकिन ये बिल अब उन हिंदू को भी एड्रेस करेगा एनआरसी के रिजल्ट जो आए थे उसके बाद, तो इस वजह से इसमें जो है बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें केवल जो हमारे गैर मुस्लिम जो लोग थे उनको ही ये टारगेट कर रहा था। लेकिन अब इसके ऊपर जो हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन शुरू कर दी है, वो हिंदू मुस्लिम वर्सेस शुरू कर दी है, उससे देश को विभाजन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और उसमें बड़े बड़े विवाद उसमें पैदा होंगे। तो इस वजह से इसको हमें उस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, केवल मुद्दे के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है अनिरुद्ध जी, देखिए जो इंटेलेक्चुअल डिबेट अभी चल रही है, इसमें यह है कि क्या कहते हैं, जो सीएए आया है इस एक्ट में, यही है कि 31 दिसंबर 2014 के तक जो लोग आए हैं, ठीक है, और 5 ईयर कम से कम, पहले 11 साल था, अब उनको 5 साल तक कर दिया गया, 1+5 कर दिया गया, ठीक है, उन लोगों के लिए। ये भी देखिए, उसमें एक शरणार्थी के रूप में आते हैं और कोई इल्लीगल माइग्रेट करके घुसपैठी के रूप में आते, कई सारे देशों के अंदर होता है कि भाई कोई सुरंग के रास्ते चला आया, कोई किसी भी जरिए से रास्ते से चला आया, तो उन लोगों के लिए। और ये भी नहीं कहा गया है कि जो लोग उसमें नहीं आएंगे तो उनको हम उठा के डिपोर्ट कर देंगे, बस उठा के फेंक देंगे, उनके बारे में भी चर्चा, भाई कोई 30 साल से रह रहा, कोई 40 साल से रह रहा, उनके बारे में भी उसमें विचार किया गया। ऐसा नहीं कि हम आए और उसके बाद उनको उठा के फेंका गया। और जो लोग भारत के कई बार, अभी आज ही गुजरात के अंदर एक मुस्लिम महिला को नागरिक बनाया गया, आज ही के न्यूज चैनल में आया है कि एक मुस्लिम महिला को, तो जो प्रॉपर तरीके से
उनको बनाया जाएगा। ऐसे कोई हमारे यहाँ नागरिकता मांगता है, अब अदनान सानी को नागरिक नहीं बनाएगा क्या? अगर कोई नागरिकता मांगता है और उसका प्रॉपर तरीका है तो आएगा। लेकिन ये जो बिल हुआ है उसमें ये कहा गया जो वहां पर रिलीजियस, जो वहां धार्मिक प्रताड़ना से जुड़े हुए लोग, धार्मिक प्रताड़ित कौन हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं भाई, पाकिस्तान है। मैं नहीं कर रहा हूं, एक 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 ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा शांति से। अनु जी, मेरा सवाल ये कि ये कैसे पता चलेगा जब इस कानून के जरिए उनसे किसी किस्म का दस्तावेज भी लेने की जरूरत नहीं होगी, उनके ऊपर घुसपैठिए का केस होगा वो रद्द कर दिया जाएगा, तो वो किसी भी कंट्री से क्यों ना आए, अपने आप को इन तीनों देशों का बना करके बता करके तो नागरिकता ले सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि उसमें क्या कहते हैं कुछ न कुछ इतना बड़ा बिल लाया गया तो कुछ न कुछ उसमें सोचा गया, कुछ उसमें रखा गया, हर चीज टीवी डिबेट में तो नहीं बताया जाएगा कि आप ऐसे करिए आप हम ऐसे करेंगे। ये सुन लीजिए, ये राजनीति है, अरे सुन लीजिए, नहीं बताया जाएगा, अरे सुन लीजिए मैडम, मैं सबके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा संजीदगी से अभी बता दीजिए, चार कभी नहीं बिल का बता पा रहे हैं, थोड़ा बिल पढ़ी नहीं है, अरे मैडम बता दीजिए चार कभी क्या बिल में। इन्फॉर्मेटिव चर्चा हो रही है, दर्शकों को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि सुलझी हुई एक इन्फॉर्मेटिव चर्चा हो रही है, ठीक है। तो एक लाइन अनुज जी की बात पे बोल दूं, अनुज जी आपने बातें अच्छी रखी, इस तरह अगर क्लियर किया जाए लोगों को तो निश्चित रूप से काफी हद तक समझ में लेकिन चूंकि अब आपने इतनी साफ गोई से बात की और यही बात विपक्ष सत्ता पक्ष के द्वारा सदन से लेकर देश में किया जा रहा है, अब विपक्ष को या विरोध करने वालों को हथियार कहां से मिल रहा है? मैं बताता हूं, ये कहना कि मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, तो इसी सरकार का रिकॉर्ड है मालदीव से, मुस्लिम वो इस्लामिक कंट्री है, वहां के मुसलमानों को हमारे यहां नागरिकता दी गई है। तो जो विरोधी है वो अपने तर्क ढूंढ रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो अपने तर्क ढूंढ रहा है। तमिल श्रीलंका में 10,00,000 तमिलों को हमारे यहां दे दी गई नागरिकता, जो वहां से जब LTT वार हो रहा था और वहां आए, तो ये कह के अगर हम किनारा करते हैं तो शायद वो जनता को समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी बात को, जो एक रास्ता निकालने का है वहां पर ठीक है। विष्णु जी बोले जी, मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है, देखिए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, जो अंदर खाते जो इन्होंने क्या, बोला ना क्या, क्या, किस लड़ाई की तरफ जो मैं खोल दूंगा, मैं तो खोल दूंगा, ये नहीं बोल पाएंगे, मैं उसको खोलता हूँ। जिंदगी में रहे कांग्रेस में, भारत दिया भाजपा ने, क्यों दिया भाई, इसीलिए दिया ना कि वो घुसपैठिए थे। मैं सर आपकी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा मौका दूंगा आप तीनों लोगों को, खोलने दो, अरे सर एक सेकंड, पार्टी की लड़ाई है आगे और लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं इनकी जो मुझे लगता है साजिश है कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को जल्दी से क्लियर है सर, यही लड़ाई है, पूछिए इनसे, बताइए प्रदर्शनकारियों में और भ्रम पैदा करेगा, आप बोलिए ठीक है, गलत बोल रहा हूं तो बोलिए साफ लफ्जों में, गलत बोल रहा मैं, आप दोनों की तरफ आ रहा हूं, मैंने गलत बोला, जिला मस साहब और डॉक्टर जी ने बिल्कुल स्पष्ट, अनुरोध जी, अनुरोध जी बिल्कुल स्पष्ट बात है, अनुरोध जी क्या क्या यही भ्रम, क्या ये जो बात कही है इसी लाइन को लेकर के विरोध करने वाले लोग के लोगों के दिलों में यही भय पैदा किया जा रहा है? स्वच्छ भारत अभियान में कहीं नालियां साफ या नदियां साफ नहीं कर रहे थे, ये किसको साफ कर रहे हैं आपके सामने, ठीक बड़ा क्लियर है, अब नहीं समझे तो वो एक अलग बात है, आचार्य जी गलत बोल रहा बताइए, अब ये जो हो रहा है, मैं डॉक्टर जीनत ने आपको तरफ आ, ठीक मैं बोलूं, मैं पूछूं गंगा मैली किसने कर रखी है, गंगा की जो सफाई चल रही है, मैडम मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आ रहा हूं आपकी तरफ, कौन सी गंगा साफ हो रही है, देख रहे हो आप गंगा की साफ की बात, गंगा की सफाई की बात बड़ी कह रही है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गुजारिश है, गुजारिश है, एक सेकंड थोड़ी संजीदगी से, थोड़ी संजीदगी से, विपक्ष को मैं अनुरोध करूंगा कि मिश्रा जी से थोड़ा सीखें और थोड़ा तार्किक बातों को लेके आए कि हमें भी जवाब देने में मजा आए और लोगों के बीच का भ्रम खत्म हो। अब विपक्ष को कई काफी लोग हैं, अभी मैडम से मैं बार बार पूछ रहा हूं कि क्या उसमें खामियां चार बिल की बता दीजिए, शायद इनको नहीं बताने नहीं बता पा रही हूँ, वो घुमा घुमा के ये राष्ट्र वो राष्ट्र बदकता अभियान इसमें बता रही है, चर्चा जब इंटेलेक्चुअल बहस होती है तर्कों के तीर से होता है, युगांडा के हिंदुओं को भी भारत में शरणार्थी दिया गया, राजनीति है कि कमी कोई है नहीं और कमी साइकोलॉजिकल पैदा करती है। अरे तार्किक बहस सीख लीजिए मिश्रा जी से, हमें भी मजा आए, हमें भी चर्चा करने में मजा आए और हमारा भी ज्ञान वर्धन हो, ठीक है। एक सेकंड मैं 19 लाख लोग ही बाहर है, उसमें कौन कितना कितना है, उस 19 लाख लोगों में अगर
पांच लाख लोग मुसलमान हैं, अगर आगे दोबारा से ट्रिब्यूनल और दूसरे प्रोसेस के माध्यम से वो लोग एनआरसी के दायरे में आ जाते हैं तो फिर इस कानून का विरोध करने का कोई औचित्य रहता है? हमारी तो मांग ही हुई है। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मतलब आपको कानून से दिक्कत है? हम बता रहे हैं दो पहलू इस कानून से, इस कानून से आपको दिक्कत है कि ये आप लोग सवाल मेरा ये कि आप लोग ये कहते हो कि ये कानून दरअसल संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचा करके बनाया गया, या तो इस बात को आप वापस लीजिए, या तो आप कहिए कि साहब वो जो 5 लाख लोग हैं जो शरणार्थी हैं मुसलमान हैं उनको नागरिकता दे दीजिए, हमारी सारी शिकायत दो। नहीं नहीं दोनों में से कौन सी लाइन आपकी? दोनों में से लाइन कौन सी? देखिए विभीषण के माध्यम से आप लंका जीते, गजब का राम जीतने के बाद आप लात मार दीजिए, जीतने के बाद आप लात मार दीजिए उसको। आपने देखिए वो लोग हैं 19 लाख जिन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ ना देके भारत का साथ दिया, दुनिया भर में भारत की शाख बड़ी थी, इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, कहा था कि पाकिस्तान को तोड़ करके, तो जिन लोगों ने आपका साथ दिया आज 40 साल बाद उनको लात मार के भगाओगे तो दुनिया में आपकी, हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये हम तो ये लड़ रहे हैं कि आप 12 लाख को दे रहे हैं, आप 19 लाख को दे पूरे को। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। और बताऊं मैं उसमें अमित शाह का कल एक निजी चैनल में, टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि दरअसल एनआरसी के दायरे से जो लोग बाहर अभी हैं उन लोगों के लिए प्रावधान किया जा रहा है, दोबारा से ट्रिब्यूनल हो, ट्रिब्यूनल में जाने का प्रोसेस है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर पर प्रावधान हम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए हम विशेष प्रावधान भी कर रहे हैं ताकि जो लोग नागरिक हैं उनको उससे हाथ ना धोना पड़े। तो मेरा सवाल यह कि आपको इस कानून से ही दिक्कत है, कानून या फिर उन लोगों को नागरिकता दे दी जाए तो फिर कानून अपने आप में ठीक है? गजट तैयार हुआ ठीक है, कानून उस पर चलेगा ना, कि अमित शाह जो बोलेंगे वो चलेगा। पार्लियामेंट में अमित शाह ने क्या भाषण दिया? वो बिल के जिसको डिफरेंस भाषण दिया, वो राजनीति की भाषण दिए, जैसे चौराहे पर भाषण दिया था वैसा भाषण दिया। क्या बात कर रहे हैं? बिल का ड्राफ्ट क्या है? एक देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है, जो बोलता वही कानून होता है, आप उसको क्या पता है? बिल को, बिल में जो बात कही गई वो सीधे सीधे पार्लियामेंट में 2 दिन के बाद राजनीति की बात हुई, होता वो भारतीय गृह मंत्री है। अमित शाह तो पहले ही बोले पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित हुआ, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित हुआ, जो संवैधानिक तो नहीं था, गैर कानूनी तो नहीं था, चर्चा कोई नहीं कर पा रहा क्योंकि बिल किसी ने पढ़ा ही नहीं है। कानून कानून केवल ये धर्मों के आधार पर लोग बोल रहे हैं, देश में 1,16,000 शरणार्थी है या फिर 2,33,000 शरणार्थी है या सिर्फ 33,000 है या 19 लाख जो लोग बाहर से जो एनआरसी के दायरे में असम में नहीं आए। सवाल यह है कि जितने लोग भी हैं 2014 तक मान लीजिए जितने भी धर्म के लोग शरणार्थी के तौर पर हैं सबको नागरिकता मिल जाती है और कानून ऐसे का ऐसे ही रहता है तो फिर आपको दिक्कत कहां है? कानून जब कानून ही नहीं बदलेगा, नहीं, वो किसी दूसरे प्रावधान से, किसी और प्रावधान से हो सकता है, ट्रिब्यूनल में जाकर के जो भी चीजें वो लोग साबित करेंगे रखेंगे, हो सकता है उसी आधार पर उनको नागरिकता दे दी जाए। आप तस्लीमा नसीरीन को कैसे दोगे मान्यता? मैं कह रहा हूँ कि अगर जो लोग 5 लाख मुसलमान बच्चे हुए हैं, पांच लाख मुसलमान जो बचे हुए हैं, जो भी दस्तावेज उनके पास हैं, जिस भी बुनियाद पर वो साबित करने जाते हैं, अगर वो उनकी बात को कंसिडर कर लेती है सरकार, ठीक है ठीक है। डॉक्टर जीनत ठीक है ठीक है कि मोहम्मद कैमरे में मोहम्मद सनाउल्ला जिनके पास 1935 के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा है और राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित है, सिर्फ उनका एनआरसी में नाम ना होने की वजह से उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए हमने कहां घोषित किया? नहीं, निकाल दिया गया है। सुने, मुझे लगता है थोड़ा सा यहां थोड़ा सा बचे, हम लोग सतही बात से बचे। नहीं, क्या जिन लोगों का नाम एनआरसी के दायरे में नहीं है वो लोग विदेशी हो गए हैं? ऐसा नहीं है। इसी में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो लोग दायरे में नहीं आए हैं अभी आगे प्रावधान बाकी है। आगे का प्रावधान डॉक्टर जीनत अंसारी ट्रिब्यूनल जाना अभी बाकी है, उसमें अभी आगे क्या चीजें होंगी बाकी है। मैं ये कह रहा हूं अभी वो लोग विदेशी नहीं हुए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, सारे लोग हैं जी। एक अलग बात है, ठीक है डॉक्टर जीनत अंसारी, बात पूरी कर लीजिएगा ठीक है। उनको फॉरन ट्रिब्यूनल ने उन्हें इसलिए विदेशी माना है कि उनके पास एनआरसी में लिस्ट में उनका नाम नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आप भी चीज वो चीज है, आप कह रहे नहीं माना, ये चीज दबाई जा रही है, वो बताई जा
आ रही है, आप दबा रहे हैं उसी चीज को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग फंसते हैं तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जब आप लोग फंसते हैं। आपको मैं प्रूफ किस एनआरसी में सर्टेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो लोगों से मांगा गया, उसको बाद में क्यों किया गया, उसको बाद में क्यों गया। पहले सुनिए, पहले सुनिए आप, उस डॉक्यूमेंट्स को मांगने के बाद में आप अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसके आधार पर फिर वो आगे असेसमेंट करता है। उसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको सिरे से कोई डॉक्यूमेंट होते हुए भी कोई खारिज कर दे, हैं? जैसे आपको उसमें पढ़ाई के लिए कुछ आपके सर्टिफिकेट हैं वो उससे काम चलेगा, आपके आइडेंटिटी प्रूफ अगर बने हैं उनसे काम चलेगा, ठीक है। और आपका अगर कोई जन्म का कोई अगर सर्टिफिकेट, पहले सुनिए, पहले आप सुनिए, तो हमें पता है, आप सुनिए तो, आप सुनेंगे नहीं तो आप सुनेंगे के अलावा वो किसी और नाम पे, वो अभिषेक के साथ भी हो सकता है, वो माइकल के साथ भी हो सकता है, वो माइकल अभिषेक और डॉक्टर फजील किसी के साथ भी हो सकता है, वो धर्म के आधार पर ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले समझना, सर एक मिनट, सबसे पहले समझना चाहिए कि जो हमारे देश की व्यवस्था है, आज भी हम और आप जब आते हैं तो हम सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही चल रहे हैं, हमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी डॉक्यूमेंट के आधार पर मिल रही हैं। तो एक तरफा यहाँ पर ऐसा नहीं होता देश में कि किसी ने आपको मुंह से कह दिया कि आप यहाँ चले जाओ आप चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमें कम से कम यहाँ की किसी व्यवस्था पर तो यकीन करना पड़ेगा। अगर हम उस व्यवस्था पर यकीन कर रहे हैं तो सबसे पहले एनआरसी के बारे में समझिए कि एनआरसी क्या कहता है। एनआरसी के बारे में एक तो सबसे बड़ा हवा ये बना दिया गया है कि साहब एनआरसी आने से ये फलाना आदमी बाहर हो जाएगा या आप सबसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाएंगे। एनआरसी बिल में जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही असेसमेंट हुआ। असेसमेंट होने के बाद में एक लिस्ट बनी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है या आपको उस लिस्ट में के बाहर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए भी आपके लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। आप पहले बात समझिए पूरी, उन ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से आप इस बात को रख सकते हैं और ऐसा उसमें प्रोविजन है, अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि भाई इसको आना है तो वो फिर आएगा। मान लीजिए आप बात समझिए मेरी, तो आप दो मिनट के लिए समझिए। मैं सर जीतन चौधरी जी आपसे जल्दी से उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है जीतन चौधरी जी, एक सवाल और भी मेरा इसमें कि ये फिगर ही फिलहाल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि शरणार्थी पूरी दुनिया से या फिर तीनों देशों से कितने एक्चुअल फिगर क्या है। देखो वो तो सब सरकार, कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी या कांग्रेस पार्टी की नजर में क्या तादाद है। देखिए सर मेरी बात सुनिए, जो मेरे भाई कह रहे हैं कागज, जब गरीब लोग होते हैं तो पहले इनका जवाब दे दो, जो गरीब लोग हैं उनके पास कागज नहीं है तो बताओ मुझे एक चीज बताओ, भारत के जो सर सर भारत के, अरे सर सर सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लो, अरे सर अरे सुनो, आप जितन जी आप गिर गए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, बट प्रधानमंत्री आज तक अपनी डिग्री दिखा नहीं पाए, डिग्री के कागज, अरे सोनिया नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री के कागज दिखा नहीं पाए, लोगों से कैसे कागज मांग रहे हैं बताइए मुझे, डिग्री के लिए माफी मांगे ये बताओ ना कि डिग्री के लिए मोदी के कागज दिखाई दे, पढ़ाई लिखाई दिखा है कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में कहती है, मिस्टेक एरर हो गया, इतना बड़ा एरर हो गया, इतना बड़ा प्रधानमंत्री डिग्री के कागज नहीं दिखा सकता तो गरीब आदमी कहां से कागज दिखा देगा। आप दोनों लोग अपनी अपनी राजनीति लेकर के बहस को आगे ले जा रहे हैं, मुद्दे से आप लोग बेल का प्रमाण पत्र है, ये बेल में दिखाएंगे मैं राहुल गांधी हूँ, जल रहा है और जलता रहेगा। ठीक है ठीक है जितेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई। जितेंद्र जी क्या आपके पास कोई ऐसा फिगर है जिसमें शरणार्थियों की एक्चुअल तादाद क्या है, किसके पास, आपके पास या कांग्रेस के पास में या कांग्रेस सरकार में इतनी साल तक, ये आंकड़ा जुटाना जो आज की डेट है वो तो सरकार का काम है, सरकार जुटाए। सुनिए ये 2014 से पहले क्या था, सुन लीजिए 2014 से पहले क्या था, विष्णु जी ने सही कहा, मैं आपको अब अंदर की बात बता देता हूँ, ये साजिश क्या है, मैं विष्णु जी की बात से सहमत हूँ। आपको सूट कर रहा है तो आप सहमत है, आपको सूट कर रहा है तो आप सहमत है, बीजेपी और आरएसएस ने एक साजिश रची देश के खिलाफ, वो साजिश क्या थी, एनआरसी लेके आकर उसमें क्या था, अरे सर सुन लीजिए, राजीव गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, आप मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू करिए, राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी ने कहा था एनआरसी जो है कांग्रेस ने लाया था, राजीव गांधी लाए थे नहीं लाए थे, साजिश तो सुन लीजिए, अरे क्या था जी, क्या मतलब राजीव गांधी साजिश कर रहे थे भारत के खिलाफ, इसीलिए मिला है जीतन जी, ठीक है एक सेकंड आप सभी को मैं रोकना, अनिल मिश्रा जी ठीक है, बीजेपी की साजिश ये थी
अगर जो हम एनआरसी लागू करते हैं, सुन लीजिए आप लोग, सर सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला ना, इनकी साजिश है एनआरसी लाएंगे जो लोग बाहर होंगे उनमें सारे, इनको ये अंदाजा था कि उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान ही आएंगे, तो हम उनको ज्यादा मुसलमान आएंगे जब उनसे ये बोला जाएगा समझौता हुआ था, कहाँ जाओगे क्या हुआ साहब, लेकर आई थी ये आपको समझना चाहिए, ये इनका एजेंडा था, ये साजिश देश के खिलाफ इनकी, जो जो लेकिन ये तो राजीव गांधी ने लेकर आए थे, राजीव गांधी ने क्या कहा था, आप दोनों लोग, आप दोनों लोग ही कहीं ना कहीं अपनी 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 बातों से थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रहे, मगर अनिल मिश्रा जी स्थिति थोड़ी सी साफ कीजिएगा सर, स्थिति साफ कीजिएगा, क्या क्या इस कानून से ही दिक्कत है, या फिर वो मुस्लिम शरणार्थी जो यहां पर रह रहे हैं उनकी नागरिकता, उनको उनको नागरिकता नहीं मिलेगी इस बात के, इस खौफ से, इस भय की बुनियाद पर उन्हें डरा करके सड़कों पर उतारा गया या खुद उतरे? दोनों आपके कहने वाले दोनों पहलू व्यवहारिकता में वही सही है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं, जैसा भी भाई लोग बहस कर रहे थे, देखिए 1971 का युद्ध होता है और उसमें जब बांग्लादेश को तोड़ के बनाया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में, चूंकि बांग्लादेश का बॉर्डर वहां मिलता है, तो बहुत से बांग्लादेशी कहिए या पाकिस्तानी, उस वक्त पाकिस्तान था बाद में, वो घुसकर हमारे उसमें आए, चूंकि वहां का जो माहौल था जीने लायक, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी, ईसाई, जो भारत को कहीं ना कहीं एक जिनके दिल में स्थान था या अपने को सुरक्षित समझा, उस वक्त आ गए। तो आपको याद दिला दें कि जो बोडो आंदोलन हुआ था, असम गण परिषद के प्रफुल्ल महंतो, अगर आप लोग को नाम जी, करेक्ट करेक्ट, वो उस वक्त स्टूडेंट का एक आंदोलन हुआ था, शायद इतना हिंसात्मक आंदोलन पूरे देश में शायद ही कोई हुआ हो, जो असम का आंदोलन हुआ, तो ये आंदोलन भी इतना उग्र रूप ले लिया था कि लगा कि देश के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने को, उनकी जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं खतरनाक थी। तो ये आंदोलन होते होते 84 में आकर राजीव गांधी और प्रफुल्ल महंतो या असम गण परिषद, आप कहें बोडो के जो आंदोलन चला, उनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसी को असम रिकॉर्ड कहा गया है, लेकिन उसमें उस वक्त कहा गया था कि 71 के युद्ध के पहले जो भी लोग, उसमें धर्म का नाम नहीं लिया गया था, जो भी लोग असम में या उस एरिया में रहते थे उनकी पहचान की जाएगी और उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 71 के बाद जो, क्योंकि उस वक्त के हाल 2-4 साल 5 साल की स्थिति थी, लेकिन चूंकि 84 में समझौता होता है और वो जो एनआरसी शब्द की उपज हुई है, बिल्कुल सच है कि एनआरसी वहीं से उपज हुआ, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, फॉलो नहीं हो पाया, साल दर साल, साल दर साल वो टलता गया और उसकी नौबत आई। दर्शकों के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी ला दीजिए कि 71 के बाद जो लोग आए, 1984 में समझौता हुआ, उनके लिए क्या रहा? 84 में जो समझौता हुआ था उसी समझौते में यह था कि 71 के पहले के जो लोग हैं उनके लिए ये नागरिकता दी जाएगी और जो 71 के बाद के लोग आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और किसी धर्म का जिक्र नहीं था उसमें, किसी, देखिए विवाद अब समझ लीजिए अगर आप समझना चाहते हैं, उसके बाद फिर ये, लेकिन ये लागू नहीं हुआ, अगर उस वक्त ये लागू हो गया होता, इस पे क्रियान्वयन कर लिया गया होता, ये बहुत छोटी सी समस्या थी, लेकिन वो टलते टलते 2019 आ गया, जरा आप उंगलियों पे जोड़े, 50 साल का डिफरेंस आ गया, दो पीढ़ी यहां निकल गई, अब जब ये सरकार वहां लागू कर रही है तो सरकार अपनी जगह से ठीक कदम उठा रही, लेकिन विरोध भी जो कर रहे हैं उनका सही है, जैसा अनिरुद्ध जी कह रहे थे, मगर ये 2014 31 दिसंबर 2014 तक की अवधि देना, ये तो सीए में दिया जा रहा, आप समझिए बात, ये सीए में दिया जा रहा, अगर सीए पास हो गया तो उन सभी लोगों को मिल जाएगा जो लोग एनआरसी के दायरे से बाहर है। नहीं, तो इसमें दो बातें आ गई ना, एक तो 6 धर्मों का नाम बता दिया गया कि केवल धर्मों को लोगों को दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा, उसके पहले असम में एनआरसी होती है, एनआरसी में केवल असम में 5.5 के लगभग, एग्जैक्ट फिगर अभी किसी को नहीं मालूम ना वहां से जारी किया गया है, तो लगभग ये जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड लोग हैं इनको नहीं दिया जाएगा। मैं किसी का पक्ष नहीं, लेकिन आपको सच्चाई बता दूं, सच्चाई ये है कि जैसा हमारे भाई अभी कह रहे थे कि अगर देश में रहना है, भारत देश में, तो एक नियम के कानून, बिल्कुल सच है, लेकिन भारत देश आज भी आधा भारत बिना कागजों के जीता है। मैं आपको उसका बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपके समझ में आ जाएगा कि सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, पिछले 70 साल का इतिहास तो छोड़ दीजिए, पिछले 5 सालों में एक आधार कार्ड बनवाया और वो आधार कार्ड सबके लिए अनिवार्य था, उसके बन जाने के बावजूद जब सरकार ने सोचा कि इस आधार कार्ड के बेस पर हम पूरे भारत की नागरिक की पहचान बना लेंगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा कि यह सच है कि आज भी भारत में पूरे लोग कागजी कार्रवाई नहीं, और ये बिल्कुल सच है, हमारे यहां की 80% जनता
जनता आज भी, अब तो 80 कहना शायद गलत होगा, लेकिन 50% जनता आज भी जिस स्थिति में रहती है उसका एक शॉर्ट में कारण बता दूं कि बिहार के गरीब तबका लोग व्यापार करने या मेहनत करने या कमाने असम जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। जब ये यहां आज जो 40 साल 50 साल पहले बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, कहीं से बंगाल या असम चला गया, तो यहां की भी अपनी जो एक पहचान थी खो दिया, और दूसरी पीढ़ी वहां जो तैयार हुई है उसके पास 71 के पहले का कागज दिखाने की स्थिति नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो। तो ये जो एक असमंजस बना हुआ है, उस असमंजस का विपक्ष एक प्रयोग कर रहा है, और उस असमंजस में सबसे ज्यादा चूंकि सीए के द्वारा एक नियम आ गया कि 31 दिसंबर 2014 पहले जो भी हिंदू या अन्य धर्मी होंगे उन पर कोई कागज नहीं लगेगा, उन पर कोई केस नहीं चलेगा, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। सवाल ये कि लगभग ये जो अवधि 2014 तक की गई है, पवन जी, ये जो 2014 तक की अवधि की गई, ये अवधि ठीक थी या अभी पहले दौर में 1971 तक को ही का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जो सरकार ने अमेंडमेंट किया, चलो ठीक है 11 साल से आपने 6 साल कर दिया, लेकिन अगर 1971 तक की अवधि को अभी रखा जाता और बाद में आगे इसको बढ़ाया जाता वो बेहतर होता या 2014 तक के लिए किया जाता? एक लाइन बोल दूं, अगर इजाजत हो भाई साहब, एक लाइन बोल दूं। देखिए यहाँ एक विरोध और है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारा शुभचिंतक है, चूंकि हम ही ने उसका जन्म कराया है, और आज भी बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के रहमो कर्मो पर ही चल पा रहा है। भारत देश सरकार जितनी सहायता उसकी करती है शायद ही कोई सरकार करती हो। अफगानिस्तान कहीं ना कहीं हमारे कारण आज भी जिंदा है, लेकिन एक विरोध मेरा भी है, अगर ये सरकार आज ये उठा ली है तो जो हमारे थोड़े बहुत ही, मैं कहता हूं 3% ही लोग पाकिस्तान में हिंदू धर्म के लोग बचे हुए हैं, या अफगानिस्तान में 1.1 समथिंग बचे हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उन दोनों देशों के उन गलत लोगों को जिन्होंने प्रताड़ित करके इतनी बड़ी संख्या हमारे भेजी है, उनको एक आमंत्रण भेज दिया है कि तुम वहां से मार के भेजो, हम यहां शरणार्थी। इसका एक सही रास्ता है। दूसरी चीज, एक और पहलू पर प्रेशर बनाती कि कैसे तुम, पवन सोम जी, एक और पहलू तो शायद इसका, अफगानिस्तान से हमारे बहुत दोस्ताना संबंध है जी। बांग्लादेश जो कहीं ना कहीं भारत की वजह से अस्तित्व में आया ही और उसके बाद भारत ने सपोर्ट किया। बांग्लादेश ये कहता साहब हमारे यहां तो धर्म के आधार पर होता ही नहीं है, होती ही नहीं प्रताड़ना। अफगानिस्तान ये कहता कि हम तो करते ही नहीं प्रताड़ना। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोशिश हुई दोनों देशों पर दबाव डाला गया कि साहब धार्मिक धर्म के आधार पर आप लोग अपने देश में माहौल ठीक कीजिए? जी, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो यहां फंसी है उसका मैं आपको एक कारण बताता हूं कि सरकार कहां फंस गई है। सरकार ने जैसे ही आपकी जो समस्या थी, जो 71 वाली जो समस्या थी जिसको 85 में एड्रेस किया गया, और जो आपने नई समस्या एक मोल ली है वो ये है कि आप कहते हैं कि भाई यहां पर हम लोग जो गैर मुस्लिम है खाली उन्हीं को देंगे और वो भी 14 से काउंट कर लेंगे जी। तो अब दोनों समस्याओं का आप एक साथ एड्रेस तो नहीं कर सकते जी, जी। अब हो क्या रहा है कि जो आपने समस्या बाद में उठाई है, अब पहली समस्या को आप क्या कहते हैं, आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? आपने उस समस्या को तो वहीं पर छोड़ दिया और एक नई समस्या का आपने जन्म कर दिया। इसी वजह से जो यहां पर जो नई समस्या कौन सी, मैं वही बता रहा हूं आपसे कि जो नई समस्या है वो ये है कि जब आप एक नया बिल लेके आते हैं तो उसमें उसके दायरे होते हैं, लेकिन जो पुराना दायरा 70 जो पुराना दायरा था आपका, जो 71 की बात हुई थी उसमें किसी धर्म की बात नहीं हुई थी, उसमें सभी धर्मों के लिए बोला गया था कि भाई ठीक है सभी धर्मों को यहां पर जो है वो रखा जाएगा। लेकिन जब आप नया बिल लेके आते हैं तो यहां पर जो समस्या उठ रही है वो ये उठ रही है कि भाई पुराने वाले लोग जो हैं उनको तो कहते हैं, जो 1955 के उस एक्ट की बात की जाती है जिसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का ही जिक्र होता है, करेक्ट, तो ये सरकार ये कह रही है हम तो उसी को हमने एक्सटेंड किया हुआ, उसमें पहले से जिक्र था गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए तीनों देशों में, करेक्ट करेक्ट। इसी वजह से यहां पर जो इन्होंने एड्रेस किया है वो केवल 6 धर्म के लोगों को ही यहाँ पर एड्रेस किया गया है, इसमें मुस्लिम वर्ड को इसलिए हटाया गया क्योंकि वहाँ पर वो माइनॉरिटी है। मैं अनुज जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, अनिल मिश्रा जी को जाना, अनिल मिश्रा जी को जाना, मैं एक कमेंट उनसे ले लू, अनिल मिश्रा को जो को जाना है, और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि अनिल मिश्रा जी को निकलना है, और ठीक है अनिल मिश्रा जी जल्दी से सर इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी रखिए और क्या होना चाहिए बता करके उसके बाद फिर आप। नहीं, जैसा देखिए उलझने वाली बात यही आ गई, 71 की जो प्रॉब्लम थी, जो उस वक्त 84 में राजीव गांधी द्वारा जो असम को लेकर एक समझौता किया गया, अगर वो समझौता क्लियर हो जाता और उसके बाद ये नया नागरिक संशोधन बिल आता तो शायद ये विवाद न पैदा होता जी, इतना जी, बड़ा रूप। मैं भी कहता हूं, लेकिन अभी 70 बिल्कुल सबसे पहले तो सरकार को
मैं उसको वो शब्द नहीं प्रयोग करूंगा जो विपक्ष कर रहा है कि अहम है या गुरूर में है, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं नैतिक दायित्व तो बनता है, वो चाहे छात्र हो चाहे विपक्ष हो, उनको सड़क पर आकर जनता के सामने कदम बढ़ाकर खुद ब खुद खड़े होना चाहिए और पूरी नम्रता के साथ कि अगर आपका कोई विरोध है, अगर आपको कोई आपत्ति है, आइए मिल बैठ के बात करके उसका समस्या का हल ढूंढते हैं। ये फिर सरकार और ये जनता और सरकार के बीच बैठने पर होगा। समस्या हल नहीं कर पाए, दूसरी समस्या आप खड़ी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके एक कमेंट में डॉक्टर फजील साहब छोटा सा और फिर आपके पास डॉक्टर जीनत साहब एक साथ में आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर फजील साहब, मुझे जाने इस पूरी चीजों को लेकर के जिन समस्याओं का जिक्र किया जा रहा है, फिर इसमें सोल्यूशन क्या देखते हैं आप? देखिए, सोल्यूशन कानून वापसी ही सिर्फ। मेरी बात सुनिए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान का पाकिस्तान में नहीं हो सकता, महाजिर कौमी मूवमेंट का नेता लंदन में बैठा है, मांग रहा है प्रधानमंत्री से नागरिकता भारत की कि हमको दे दीजिए, तो कैसे ये कह रहे कि उनका नहीं होगा शोषण? अब उसको तो उसका रास्ता बंद कर दिया आपने, जो अब हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं जो हमसे, सुन लीजिए, अरे पूरा सुन लीजिए, अब कहाँ से आप देंगे? सर जल्दी तो कह रहे कि आपको नहीं देंगे, अगर आप इसमें मुसलमान सब जोड़ देते तो वो महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे पाकिस्तान के अंदर, उनको भी भारत में आने की जगह, बहुत से लोग भारत में आना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है हमारी, आप तो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को अपने अपने लूंगा। आप सीधा बोले ना, कांग्रेस सीधा बोलते हैं जवाहर और लियाकत समझौता क्या था, जवाहर जी के बीच लियाकत समझौता क्या था, इनका पानी उका बंद हो जाएगा, आप समझिए, जालिम राजा के नीचे काम करने वाले की मजबूरी समझिए। आप अमरुद जी जो बोलना चाहते हैं बोलिए, डॉक्टर सिन्हा, आप एक जालिम राजा के नीचे काम करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि पाकिस्तान सर सुनो, विष्णु जी मुझे एक बताओ, अफगानिस्तान सर सुनिए, बांग्लादेश से कानून बना ले, अगर जितने भी प्रताड़ित हिंदू हैं भारत में, और जब उनको या दलित हैं और या मुसलमान हैं जो प्रताड़ित हैं, वो हमारे देश में आ जाएं, हम उनको नागरिकता देंगे, फिर क्या होगा? बना ले, उसमें किसी देश के हम इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं आप, अपने देश के लोगों को भगा दोगे? पाकिस्तान ने ये कहा कि हम भारत क्या बात कर रहे हैं, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं, सुना आपने, बात कर रहे हैं, परसों इमरान खान का बयान नहीं आ रहा, ठीक अरे इससे इससे आ रहा है, ठीक है ठीक, एक सेकंड डॉक्टर जीनत मैं आ रहा हूं जी आपके पास, आपको कैसे जाने दे सकते हैं? ये तो अकेले जाना चाहते हैं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, डॉक्टर जीनत हम बिल्कुल ऐसा नहीं करने देंगे कि कोई यहां से हमारे हिंदू या मुसलमान किसी को ले जाके, डॉक्टर जीनत सवाल ये है कि फिर आप लोग चाहते क्या है, क्या सोल्यूशन हो? बिल इस कानून को ही खत्म कर दिया जाए तभी जाकर के शांति होगी? इसमें इसको लाए आप, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इक्वालिटी इसमें सिर्फ आप मुसलमान जोड़ लीजिए, इक्वालिटी कर दीजिए सबको समानता से एक नजर से देखें, जैसे अल्लाह ताला सबको एक नजर से देखते हैं, आप जैसे यहाँ के रक्षक हैं, आप चलाने वाले हैं, आप सबको एक नजर से देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है विष्णु जी, देखिए यहाँ राम मंदिर क्लियर हुआ और ट्रिपल तलाक उन्होंने क्लियर किया, 370 क्लियर किया, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन यही एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही एनआरसी और कैब लेकर के आए, अब यहाँ हिंदू मुसलमान होना लाजमी है और इसको कोई नहीं रोक सकता, और यही इनकी टेंडेंसी थी भारतीय जनता पार्टी, यही टेंडेंसी थी भारतीय जनता पार्टी, अगर मान लो क्योंकि कश्मीर हमारा था, किसी मुसलमान ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमारी चीज थी, हमने अपनी ले ली, तीन तलाक एक अच्छा मुद्दा था जिससे महिलाएं जागृत हुई, हम लोगों ने सबसे ज्यादा, मैंने अपना उसके ऊपर सबसे अपने स्टेटमेंट दिए थे और अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत सी मैंने शुभकामनाएं भी दी थी। अब एक मिनट सर, मैं अपना बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं जब एक ही घर में रहते हैं, उनका वोटर आईडी आ जाता है और मुझे ये कह दिया जाता है बार बार अप्लाई करने के बाद आप तो उस घर में ही नहीं रहती हैं, अब बताइए मैं कैसे सब ये दूसरे टाइप का एरर है, ये दूसरे टाइप का, ये यूजुअली ये कहीं ना कहीं एक हमारे कहीं एड्रेस प्रॉब्लम या कुछ ऐसी होगी जो जिस मिस्टेक की वजह से हो रहा है, ये स्ट्रेटेजिकल
स्ट्रैटेजिकल या पॉलिसीज या नीतीश का नीतियों का इसके इससे संबंध नहीं। बीजेपी की ऐसी कोई नीति नहीं है कि हस्बैंड का है पत्नी की ना है। ठीक है ठीक है, मैं इनसे सवाल एक करना चाहता हूँ अनिरुद्ध सिंह से कि क्या ये मुसलमानों को भगवा धारण करवाना चाहते हैं क्या क्या चाहते हैं? तो आपके सवाल बड़े 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 नोकले से हैं अनिरुद्ध जी। जल अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए, आप क्या क्या चाहते हैं? हाँ ठीक, मैंने उमेश जी को रिक्वेस्ट किया था रुक जाए उनका, क्योंकि उन्होंने काफी प्रश्न उठाए थे और इन्होंने बड़े इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स रखे कि उसमें मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, इनको तो मेरे ज्यादा अनुभव होगा कि जवाहर लियाकत जी का समझौता क्या था, जवाहर जी का और लियाकत का समझौता क्या था? क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था और उसमें ये कहा गया था, सुन लीजिए सर, धर्म के आधार पे हुआ था और ये कहा गया था धार्मिक उत्पीड़न, और इन्होंने माना ये कि बांग्लादेश के लोग कहीं उत्पीड़न न करें और जो उत्पीड़न करके भेजे, लास्ट सेंटेंस इनका क्या था, मिश्रा जी का सेंटेंस लास्ट क्या था, अगर आप निकाल के चलाइएगा, तीनों ने यही कहा कि जो उत्पीड़ित करके भेजे गए हैं और क्या पता वहां पे और उत्पीड़न करें, ये मान रहे हैं उत्पीड़न की बात नहीं करनी है। और सुन लीजिए, और जवाहर और लियाकत समझौता क्या था? अब बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पर हुआ है। ठीक अनिल जी, ठीक है अब अनिल जी को थोड़ा सुन लेते हैं। ठीक अनिल जी को आप थोड़ा सुन लेते हैं। 47 की गलती को भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है, कई गलतियों को ठीक कर रही है। ये देखिए ये आ गए, तो पीओके भी लेंगे, एक्साइज चीन भी लेंगे जो जवाहर जी ने गलत किया है। ठीक है, पूरा देश तो उसमें साथ खड़ा। ठीक है, एक उसमें क्या है, पूरा देश खड़ा हुआ है। मैं बहुत साफ बोलूं, मुझे राजनीति नहीं करनी है ना मैं किसी पार्टी। सर जवाहर लियाकत जी का समझौता बता दीजिए ने क्या था, और देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था और महात्मा गांधी ने कहा था कि आपके सवाल हो गए ना, जवाब तो ले लीजिए सर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल आखिरी हिस्से में कुछ मिनट बाद वो बात लेकर, और लास्ट में आप ये भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे नेता पूरे देश को भ्रम फैला रहे हैं कि देश का बंटवारा। बता दीजिए इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने सीसीए की एक कमी बताई हो? सर ये तो बता दीजिए, जवाब तो ले लेते हैं। एक लाइन में क्लियर कर बोल देता हूँ, टू नेशन थियरी जिसको पाकिस्तान ने धार्मिक बेस अपना कंट्री बनाया था, लेकिन भारत ने इसको पहले दिन कहा था कि ये धर्म निरपेक्ष देश रहेगा। लंबी बहस है, बड़ी लंबी बहस है सर, इसमें नहीं जाएंगे सर, बड़ी लंबी बहस है। ठीक है, और सियासत यही हो रही है। अरे सर आपने अनिल जी से सवाल पूछा, उनका जवाब तो ले लीजिए, उनका जवाब दिया जा रहा है। अनिल जी बात का विरोध है क्योंकि इस तरह की बातें जनता को भ्रमित न की जाए, राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह है। मैं फिर वही अपने पहले स्टार्टिंग बयान पर आता हूं कि ये केवल और केवल राजनीति हो रही है। ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, ये केवल कुछ राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। पवन जी ठीक है, पवन जी एक मिनट, जब बार मैं एक लाइन दे दूं, हमारा संविधान तैयार हो गया, और जब संविधान तैयार हो गया तो जैसे सारे संविधान में सबसे प्रमुख बात लिखी जाती है कि मैं, जैसे आज हम लोग कहते हैं संविधान की शपथ खाते हैं, तो आप किसी भी इस्लामिक कंट्री या सभी देशों में देखें तो कहीं अल्लाह की शपथ खाई जाती है, कहीं क्रिश्चियन की। हमारे संविधान में भी ये लाइन रखी जा रही थी कि मैं ईश्वर की शपथ खाता हूं, हमारे इसी संविधान सभा में जिसकी ये तुलना बात कर रहे हैं। और जवाहर लियाकत जी का समझौता नहीं बताया, जवाहर जी और लियाकत का समझौता क्या? बात पूरी हो गई सर, मुझे कार्यक्रम वाइंड अप करना है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है सर, जल्दी से बात आने दीजिए। घुमा देते हैं बात, सर हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जवाहर जी और लियाकत का समझौता। चलिए ये चर्चा अभी लंबी खींचने वाली है, बहुत माफी के साथ में डॉक्टर जीनत फजील साहब और जितेंद्र जी आप लोगों की तरफ में आ नहीं सका, और आखिरी कमेंट लेने के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। अभी इन्होंने बोला ठीक है सर, अनुज सिंह जी आपका, जितेंद्र चौधरी जी, विष्णु विनोदम जी, जीनत अंसारी साहब, पवन सोम जी और काजल सिंगला जी, अनिल मिश्रा जी, डॉक्टर फजील अहमद साहब, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर जो कुछ चल रहा है, सड़कों पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो कहीं से भी जायज और सही नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी अगर हिंसात्मक रवैया अख्तियार करेंगे तो उनका मकसद ही फौत हो जाएगा, उनका मकसद ही पीछे रह जाएगा, और सरकार के लिए आसान होता है हिंसात्मक प्रदर्शन को दबाना। मगर इस प्रदर्शन के पीछे क्या वाकई कोई साजिश है, या सरकार ने या बीजेपी ने अपना एक पत्ता खेल दिया, अपना एक फायदा उठा लिया, और उसके बुनियाद पर अब विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। इन्हीं तमाम चीजों को अभी लगता है कि लंबा और वक्त लगेगा समझने और समझाने में। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आना टीवी।